हाय मेरे प्यारे बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। यानी कि कार्बन कंपाउंड जो है वो किससे किससे रिएक्ट कर सकता है। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है, जिस भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी रहती है, मतलब वो किसके किसके साथ रिएक्शन करेगा और क्या चीजें बनाएगा, वही स्टडी करने वाले हैं। तो जो हमारे कार्बन कंपाउंड होते हैं ना बच्चों, वो कंबशन बहुत अच्छा करते हैं। यानी कि पहली प्रॉपर्टी है इनकी कंबशन। कंबशन का मतलब क्या होता है? कंबशन का मतलब ही होता है जलना, बर्निंग, बर्निंग, ठीक है। तो कार्बन या कार्बन के कंपाउंड को जलने को हम लोग बोलते हैं कंबशन। व्हाट इज कंबशन? द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज नोन एज कंबशन, है ना। कार्बन कंपाउंड का जलना ही क्या कहलाता है बच्चों? कंबशन कहलाता है। आप जानते हैं जब कार्बन जलेगा, है ना, हमारा जो कोयला होता है उसके अंदर कार्बन होता है। पूरा पूरा कोयला किससे बना है? कार्बन से बना है ना। इसके अलावा वुड, लकड़ी जो होता है उसमें भी कार्बन होता है। तो जिन जिन चीजों में कार्बन है, अगर आप उसको जलाओगे तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कार्बन जो है वो मतलब हमारे चारों तरफ हर चीजें, मैक्सिमम चीजें जो आपको मिलेंगी सब में कार्बन है। आप जलाओ, जला के देखोगे वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है मतलब क्या है, उसके अंदर कार्बन है, ठीक है। मतलब कार्बन को जब हम जलाएंगे तो कोई भी चीज बेटा कब जलती है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। कब जलती है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब कार्बन हमारा जलेगा, ठीक है, तो ये बनाता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, है ना। और वो चीज जलेगा तो हीट और लाइट भी पैदा होगा, है कि गर्मी होगी, आग लगेगी, तो आग से क्या होगा, लाइट भी तो मिलेगा। तो कार्बन जब जलता है तो अपने साथ याद रखना, हमेशा हीट और लाइट भी देता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा अगर कोई भी कार्बन कंपाउंड ले लो, है ना, ये तो कार्बन की बात, अगर कार्बन कंपाउंड की बात करूं मैं, लाइक CH4, कार्बन कंपाउंड, कार्बन और उसके अलावा हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, लेकिन नाइट्रोजन हो सकता है, कोई भी आइटम हो सकते हैं। तो कार्बन बस रहे उस कंपाउंड में, कार्बन कंपाउंड ही तो हम जानते हैं। तो कोई भी कार्बन कंपाउंड, जैसे हमने लिया मीथेन, मीथेन, मीथेन क्या है भाई? मीथेन सर एक अल्केन है, ठीक है, और एक मीथेन एक गैस है जिसको बायोगैस बोलते हो, है ना। मार्शी गैस के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि ये दलदली एरिया पे रहता है ना, मार्शी प्लेस पे पाया जाता है। मार्शी मतलब क्या? दलदली। तो मीथेन गैस, बायोगैस, इसको जब जलाओगे यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्या कर रहे हैं हम भाई? बर्न कर रहे हैं, बर्निंग बोल दो या बोल दो कंबशन, ठीक है। तो यहां पे मिलेगा CO2। अभी तक यहां पे हाइड्रोजन आ गया, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाएगा H2O। और मैंने क्या बोला? हीट और लाइट पैदा होगी, हीट और लाइट पैदा। जब भी कार्बन कंपाउंड को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी, हीट और लाइट मिलेगा, याद रखो। क्या? कार्बन कंपाउंड, है ना, कार्बन कंपाउंड। कार्बन को जलाएंगे तो वाटर नहीं मिलता, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट। लेकिन कार्बन के कंपाउंड्स को जब भी जलाओगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट मिलेगा। क्योंकि बहुत ज्यादा हीट मिलता है यहां पे, इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग फ्यूल में करते हैं। फ्यूल का मतलब क्या? कोई भी चीज जिसको जलाया जाए और उससे हमको फायदा होगा ना। जैसे ये मीथेन गैस जलता है तो क्या फायदा होता है हमको, है ना, अरे काम आता है ना, कुकिंग गैस में, खाना बनाने में काम कर सकते हो। जैसे LPG ले लो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे आपके घरों में है, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर हमारा प्रोपेन है, C3H8, C4H10, ये प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, किसके अंदर? LPG गैस के अंदर, ठीक है। इसको भी जब आप जलाओगे तो ये भी क्या देगा? CO2, H2O, हीट और लाइट। तो इसका फायदा हुआ कि नहीं, है ना, फायदा हुआ। तो इसलिए जो भी हमारे अल्केन होते हैं, जो भी हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, खासकर अल्केन, अल्केन का इस्तेमाल हम लोग किसमें करते हैं? इसका यूज हम लोग करते हैं एज अ फ्यूल, है ना, यानी कि वो जलाने में काम आता है और उस जलाने जलने उसके जलने की वजह से हमारा फायदा हो जाता है, है ना। कुकिंग गैस द बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक। लेकिन याद रखिएगा एक चीज बेटा, जब भी ये कार्बन जलेगा और इसको ऑक्सीजन बराबर अमाउंट में नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन इनसफिशियंट अमाउंट में मिलेगा। जैसे यहां पे देखिए, ऑक्सीजन जो है इसको सफिशियंट अमाउंट में मिला हुआ है, जितना मिलना चाहिए एकदम आराम से मिल गया, या आप बोलो एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर, है ना, अच्छा खासा इसको एयर मिला है। लेकिन अगर यही रिएक्शन मैं लिमिट अमाउंट ऑफ एयर में करूं, यानी कि C+O2,
और यहां पे जो ऑक्सीजन इसको मिल रहा है वो लिमिट अमाउंट में, या आप बोल दो इनसफिशियंट है, कम है, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं है, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा बराबर, बराबर ऑक्सीडाइज ही नहीं हो पाएगा। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेना। तो जब आप इसको जलाओगे और ऑक्सीजन बहुत कम मिलेगा, इनसफिशियंट मिलेगा, तो यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलना चाहिए था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हीट पैदा ये भी करेगा क्योंकि जलेगा, और लाइट पैदा करेगा। लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलेगा विद सूटी फिल्म, सूटी फ्लेम, सूटी मतलब क्या, एकदम काला धुआं, ब्लैक स्मोक है ना। गाड़ी का साइलेंसर है, साइलेंसर देखो, गाड़ी के साइलेंसर से जब धुआं निकलेगा तो वहां पे हाथ रख के देखना, करना मत यार जल जाएगा, दूर से या कोई चीज देख के देखना तो उसमें पूरा पूरा ब्लैक ब्लैक दिख जाएगा, ब्लैक ब्लैक जम जाएगा, ब्लैक ब्लैक पूरा, तो वो होता है सूटी फ्लेम, मतलब काला काला, क्योंकि कार्बन रहता है, कार्बन, कार्बन कैसा होता है काला, और कार्बन जलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब आप देखोगे बहुत सारी पुरानी गाड़ियां होती हैं, है ना, या बहुत सारी बहुत पुरानी गाड़ी या ऐसी गाड़ी जिसका इंजन खराब हो, तो उसके साइलेंसर में से एकदम ब्लैक ब्लैक स्मोक निकलता है, एकदम काला काला धुआं निकलता है। इसका मतलब यह है कि उसके अंदर जो फ्यूल है, मतलब उस गाड़ी में जो फ्यूल है, तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, जो भी हो, उसको जब जला रहे हैं, पेट्रोल के अंदर क्या होता है, ब्यूटेन होता है ना, ऑक्टेन होता है ना, ऑक्टेन 8 कार्बन। तो पेट्रोल या डीजल को जब हम जला रहे हैं तो वहां पे जल तो रहा है लेकिन ऑक्सीजन उसको बराबर नहीं मिल रहा है, और जब ऑक्सीजन उसको बराबर नहीं मिलेगा तो वो सूटी फ्लेम देगा, यानी कि काला धुआं देगा, ब्लैक स्मोक, काला काला धुआं देगा। तो अगर किसी की गाड़ी से, साइलेंसर से काला काला धुआं आ रहा है तो समझ जाना कि उसमें क्या हो रहा है, फ्यूल अच्छे से जल नहीं रहा है, ठीक है, जाम हो चुका है, जहां से उसको हवा मिलना चाहिए। बेचारा इंजन में नीचे में एयर होल्स होते हैं, हवा के छेद होते हैं, एयर इनलेट बोलो, ताकि हवा उसके अंदर जा सके। जब तक एयर नहीं जाएगा, एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है ना, हवा में ही तो ऑक्सीजन होता है, तो एयर जाएगा तो ऑक्सीजन उसको मिलेगा, और जब ऑक्सीजन मिलेगा तो अच्छे से चलेगा। और किसी वजह से अगर वो जाम हो चुका है, एयर होल है ना, तो जाम होने की वजह से ऑक्सीजन जब नहीं पहुंच पाएगा तो वो बराबर जल नहीं पाएगा, जल नहीं पाएगा तो काला काला धुआं देगा। आया समझ में? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये हमारा, याद रखिएगा आप, जहरीला गैस है, एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस, एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस। इसलिए आज जो आरटीओ है ना, आरटीओ की टीम, ट्रैफिक पुलिस जो है वो फाइन मारती है अगर आपने पीयूसी नहीं बनवाया तो। पीयूसी क्या है? पॉल्यूशन के लिए तो है कि भाई वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ना निकले, है ना, आप उसका ध्यान रखें, बार बार चेक किया जाता है कि भाई कितना अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड भी नुकसान करता है लेकिन उतना नुकसान नहीं करता जितना कार्बन मोनोऑक्साइड, ये डायरेक्ट जहर है भाई, एक पॉइजनस गैस है ना। अगर ये हमारे बॉडी के अंदर आ गया तो अस्थमा हो सकता है, हमको रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकता है, लंग्स कैंसर हो सकता है, इतनी खतरनाक खतरनाक बीमारियां हो सकती है। तो खैर, कंक्लूजन क्या मिला, व्हाट इज कंबशन, जल्दी बताओ कंबशन क्या है? बर्निंग ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज नोन एज कंबशन। अगर कार्बन जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड हीट और लाइट पैदा करेगा, अगर कार्बन के कंपाउंड जलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हीट लाइट और वाटर भी पैदा करेगा। साइलेंसर पे चाहिए तो लगा के देख लेना कोई चीज, तो देखोगे गीला गीला रहेगा, तो वहां से वाटर निकलता है वो वेपर के फॉर्म में निकलता है। आप बोलोगे सर जला रहे हैं लेकिन पानी कहाँ निकलता है, अरे भाई वाटर निकलता है वेपर के फॉर्म में निकलता है, मतलब वो जो ब्लैक स्मोक निकलेगा वो लिक्विड लिक्विड रहेगा, वेपर के फॉर्म में रहता है। आप जब हाथ रखोगे तो आपका गीला गीला हाथ हो जाएगा, देख लेना, हाथ रखना मत जल जाओगे, है ना, कोई दूसरी चीज रख के देख लेना। खैर, ये क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर हो गया। अभी देखो एक चीज और एग्जांपल देता हूं मैं, आपके घरों में सबके स्टोव होगा, गैस स्टोव जिस पे खाना बनता है, चूल्हा, आप उसमें जाके ढूंढो, उसमें भी एयर होल्स होते हैं ताकि हवा जा सके, है ना, नीचे की तरफ, है ना, ऐसा बटा ऐसा उसका ऐसा चेंबर बना होता है, जो अभी आपको जानना नहीं लेकिन बता देता हूं, ऐसा होता है। यहां पे क्या होता है बेटा, मेन गैस होता है, यहां से गैस निकलता है, ऐसा गैस निकलता है, और इस साइड से बाहर से एयर मिलता है उसको, एयर, और फिर तीनों जाके मिक्स हो जाते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग मिक्सचर ऑफ एयर एंड गैस। देखो यहां से इस पाइप से एयर जा रहा है ये दोनों, और यहां से गैस, और फिर तीनों जाके मिल जाते हैं, इसको बोलते हैं मिक्सचर ऑफ एयर एंड गैस। तो दोनों का मिक्सचर रहता है वो, जब दोनों मिक्स हो जाएंगे, ऑक्सीजन रहेगा तो बहुत अच्छे से जलेंगे, बहुत अच्छे से। इसीलिए हमारा गैस स्टोव जो होता है वो ब्लू फ्लेम देता है और नॉन सूटी, है ना, जो हमारा गैस स्टोव होता है बच्चों, या आप बोलो अल्केन, जब भी जलेगा, अल्केन को जब भी जलाएंगे और ऑक्सीजन अच्छे सफिशियंट अमाउंट में, जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना अगर इसको मिलेगा
तो यहां पे हमको ब्लू फ्लेम मिलेगा। कैसा फ्लेम? ब्लू। देखा रहेगा आपने गैस स्टोव का कैसा फ्लेम रहता है, ब्लू कलर का दिखता है आपको, है ना। ब्लू फ्लेम एंड नॉन सूटी, नॉन सूटी मतलब ब्लैक स्मोक रहता है क्या? नहीं रहता है, ठीक है। अगर बर्तन के नीचे, जो आपका बर्तन है जिसपे खाना बना रहे हो, नीचे में अगर काला काला दिख रहा है आपको, ब्लैक एंड पार्ट दिख रहा है, तो समझ जाओ कि एयर होल्स जाम हो चुका है, एयर होल्स में गंदगी जा चुकी है, जिसकी वजह से हवा अंदर नहीं जा रहा है और गैस में एयर मिक्स नहीं हो पा रहा है, और मिक्स नहीं होने की वजह से वो अच्छे से जल नहीं पा रहा है। तो जब अच्छे से जलेगा नहीं, मान लीजिए ये आपने किया और अच्छे से जब जलेगा नहीं, तो वो येलो फ्लेम देता है। कैसा देता है? येलो फ्लेम, ठीक है, येलो फ्लेम। और सूटी, सूटी देखा था, ब्लैक, ब्लैक। सबसे बेहतर एग्जांपल है बंसन बर्नर। आपके अगर प्रैक्टिकल लैब में बंसन बर्नर होगा तो वहां जरूर देखना आप कि नीचे की तरफ उसमें दिया भी रहता है, एयर होल्स, दो एयर होल्स रहते हैं, उसका नॉब भी रहता है, आप एयर होल्स को बंद और चालू भी कर सकते हो। बंद कर दोगे तो देखना उसका जो फ्लेम है वो येलो हो जाएगा और वहां से एकदम ब्लैक 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 क्या उसका फ्लेम निकलने लगेगा, स्मोकी, एकदम ब्लैक स्मोक, यानी कि सूटी जिसको बोल लो आप। और वही आप एयर होल पूरा खोल दोगे तो एकदम ब्लू और नॉन स्मोकी, है ना, नॉन सूटी, मतलब ब्लैक स्मोक नहीं निकलेगा। खैर, तो ये बात थी बेटा कंबशन की, कि जब भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम जलाएंगे तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, हीट और लाइट मिलेगा। जरूरी नहीं अल्केन, कोई और ले लेता हूँ ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो मैं इस बार अल्कोहल नहीं ले रहा हूँ, अल्कोहल CH3CH2OH, इसका क्या नाम है, दो कार्बन तो इथेन, और अल्कोहल को क्या पढ़ते हैं, ओल, इथेनोल, इथेनोल, ठीक है। इसको भी मैं जला रहा हूँ, कंबशन कर रहा हूँ, बर्निंग, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाऊंगा तो बिल्कुल सेम चीज, CO2, H2O, हीट और लाइट, कुछ भी फर्क नहीं आएगा, ये नहीं कि कंपाउंड दूसरा बनेगा, बिल्कुल सेम। तो कोई भी कार्बन कंपाउंड आप ले लेंगे तो आपको क्या दिखेगा, अगर इसको जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट मिलेगा। क्लियर है? वेरी गुड, ठीक है। अभी इस चीज को भाई अच्छे से आप लिख लेना ध्यान में, एग्जाम में अगर आएगा तो बस आपको ये लिखना है, एक आध दो रिएक्शन लिख देना, दैट्स एनफ। याद रखिएगा हमेशा जब भी रिएक्शन लिखो बैलेंस करना है, बैलेंस। मैंने यहाँ पे बैलेंस नहीं किया है, ये काम आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैं एक बस कर दे रहा हूँ, बाकी आप करेंगे। यहाँ पे देखिए कार्बन वन है, यहाँ पे कार्बन वन है, कार्बन वन है, ऑक्सीजन टू है, ऑक्सीजन टू, ये बैलेंस्ड है। यहाँ पे कार्बन वन है, यहाँ पे कार्बन वन है, ऑक्सीजन यहाँ पे टू है, तो बेटा ऑक्सीजन को यहाँ पे टू करना पड़ेगा ताकि टू हो जाए, टू, लेकिन कार्बन भी टू हो गया तो यहाँ टू कर दो, कार्बन टू, है ना। उसी तरह एक और कर दे रहा हूँ, बाकी के दो आप करेंगे। कार्बन यहाँ पे वन, कार्बन यहाँ पे वन, हाइड्रोजन फोर है बेटा, हाइड्रोजन टू है, क्या कर दूं यहाँ पे टू डाल दूं, टू, टू टू जा फोर, फोर हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन टू, ऑक्सीजन टू, बैलेंस, हाइड्रोजन फोर, हाइड्रोजन फोर, कार्बन वन, कार्बन वन, ऑक्सीजन टू, ऑक्सीजन बेटा टू और टू फोर हो गया ना, देखो ना ये टू और ये टू फोर है, तो यहाँ पे टू, ऑक्सीजन टू टू जा फोर, ऑक्सीजन टू और टू फोर, टू ऑक्सीजन फोर, हाइड्रोजन टू टू जा फोर, हाइड्रोजन फोर, कार्बन वन, कार्बन वन, बैलेंस, ये सब भी बैलेंस है ना। केमिस्ट्री में पहले ही चैप्टर में मैंने पढ़ाया है कैसे बैलेंसिंग करते हैं, जिनको बैलेंसिंग नहीं आता है प्लीज पहले जाके बैलेंसिंग सीख लो, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में बैलेंसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां भी रिएक्शंस की बात करेंगे वहां बैलेंसिंग जरूर करेंगे। चलो फटाक से स्क्रीन शॉट लो, इरेज करके आगे बढ़ता हूं, डन। दूसरा अब हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन नाम ही है, सब्स्टिट्यूट मतलब यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, है ना, चीजों को। अगर मैं बताऊं आपको अल्केन के बारे में, है ना, कार्बन कंपाउंड की पढ़ने, अल्केन क्या है, कार्बन कंपाउंड है, लाइक CH4, C2H6, है ना, वगैरह वगैरह। तो जो अल्केन होते हैं ना वो लेस रिएक्टिव या बोल दो अनरिएक्टिव, मतलब रिएक्टिव होते ही नहीं, रिएक्शन जल्दी किसी से करते ही नहीं है, और जब उसमें फंक्शन ग्रुप जैसे जोड़ देते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है ना। तो ऐसा एटम या ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जो अल्केन में जोड़ने के बाद उसको रिएक्टिव बना दे, उसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी हमने देखा है। तो अल्केन कहने का मतलब अल्केन कम रिएक्टिव होता है या नहीं रिएक्टिव उतना नहीं होता है, लेकिन जैसे ही बच्चों इसको हैलोजन मिल जाता है, हैलोजन है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में सनलाइट मिलेगा और इसको क्लोरीन मिल गया तो तुरंत ये रिएक्शन करना चालू कर देता है। मतलब हमारे जो अल्केन होते हैं वो हैलोजिनेशन करना पसंद करते हैं, क्या, हैलोजिनेशन। हैलोजन मतलब क्या, हैलो ग्रुप, हैलो मतलब सॉल्ट, जन मतलब फॉर्मिंग, सॉल्ट बनाने वाला एलिमेंट कौन है भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइल, फर्स्ट क्लास बड़ी आई कौन, एड्रिना, इसकी बहन है कैड्रिना की। चलो एड्रिना जो है ये एसिटाइल, ये स्टेबल नहीं है तो ये नहीं लगेगा, फ्लोरीन पॉइजनस है,
करोसिव है, इसलिए इसकी बात ज्यादा नहीं करेंगे, तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की ही बात हमेशा ज्यादा होगी। ठीक है, तो जो हम हैलोजिनेशन करता है मतलब हैलोजन से रिएक्शन, हैलोजन का मतलब क्या, रिएक्शन विद हैलोजन, मतलब ये हैलोजन के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, और सनलाइट में होता है अल्ट्रावायलेट रे, तो कभी कभी हम क्या करते हैं बेटा, सनलाइट भी लिखते हैं, कभी कभी हम लोग अल्ट्रावायलेट रे यूवी रे भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मीथेन। चलो करते हैं, मीथेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, सब्स्टिट्यूट करता है, चलो देखते हैं। तो अगर इसको मान लो मिल गया हेलोजन में क्लोरीन मिल गया, और क्लोरीन Cl2, क्लोरीन डायटोमिक होता है इसलिए Cl कभी अकेला नहीं होगा, Cl हमेशा दो के साथ होता है, तो Cl2। ठीक है, अभी ये क्या बनाएगा, तो देखो अभी मैं इसको लिख सकता हूँ CHHHH4H हो गया ये, और ये ClCl। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यानी कि ये H और ये Cl HCl बन जाएगा, और ये यहाँ से इसका H इसके पास चला गया और इसका Cl यहाँ आ गया, तो देखो क्या मिला, HCl HCl और ये CH3, 1 2 3 CH3 Cl, यानी कि इसने इस हाइड्रोजन ने क्या कर दिया भाई, रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, है ना, CH3Cl और HCl, इसका एक Cl यहां सब्स्टिट्यूट हो गया और इसका एक H यहां सब्स्टिट्यूट हो गया, इसलिए बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, अदला बदली सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम होता है क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन आईयूपीएसी नेम, कॉमन नेम होता है इसका बच्चों मिथाइल क्लोराइड, हमने ऑलरेडी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में नेमिंग अच्छे से सीख ली है, नेमिंग आना चाहिए। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर देख लीजिए तो समझने में आसानी होगी, वरना आपको नेमिंग ही बहुत टफ लगेगा। तो क्लोरोमीथेन और मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, क्लियर है आपको। मैं बता दूं बच्चों यहां पर जो रिएक्शन होता है, अगर क्लोरीन ज्यादा अमाउंट में है, एक्सेस अमाउंट में है, तो रिएक्शन कंटिन्यूअस फॉर्म में होता रहता है, रुकता नहीं है। क्या बोले सर, फिर से बताओ, देखो मतलब रिएक्शन कंटिन्यूअस फॉर्म में होता रहता है, रुकता नहीं। अभी बना ना CH3Cl ये मिला, ठीक है, इसको बाजू में रखो, इसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट मतलब इस प्रोडक्ट का उतना काम नहीं है, मेन प्रोडक्ट हमारा ही है, मेन काम की चीज। ठीक है, तो CH3Cl देखो फिर से Cl2, यानी कि क्लोरीन बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलाया हुआ है हमने, तो क्लोरीन ज्यादा है तो क्लोरीन के दो एटम ने उससे रिएक्शन किया, फिर जो बचा ये जो मिला अब ये रिएक्शन करेगा। चलो फिर से सब्स्टिट्यूट करते हैं, बिल्कुल सेम क्या होगा बताओ, देखो CH3H3 हो गया और ये Cl, और यहां पे क्या है बच्चों ClCl, फिर से देखो, फिर से हमारा ये हो जाएगा CH2Cl2 और HCl निकल जाएगा। हाँ समझ में आ रहा है, HCl निकल जाएगा, मान लो इसका एक H और इसका एक Cl निकल गया, देखो ना ऐसे करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्या ये यहां पे एक मिनट, इसको यहां यहीं पे बताता हूं, यहीं पे देखो CHHHCl और ये ClCl। ठीक है, तो यहां से बच्चों एक H और यहां से एक Cl, है ना, इन दोनों का सब्स्टिट्यूट हुआ, क्या बचा CH और CH2 और ये Cl2, CH2Cl2 और क्या निकल गया HCl, है ना, कितना सिंपल है। देखो ना एक H यहां से कम कर दो CH2 और एक Cl इसको दे दो Cl2 और यहां से HCl निकल गया, है ना, बस HCl निकालने का जो बचेगा वो लिख देने का। ठीक, इसका नाम है डाई क्लोरोमिथेन, क्योंकि क्लोरीन दो हो गया तो डाई क्लोरोमिथेन। ठीक है, डाई क्लोरोमिथेन, अभी यहां देखिए, अब CH2Cl2 जो मिला हमको, फिर से क्योंकि क्लोरीन अगर ज्यादा आएंगे तो ये रिएक्शन कंटिन्यूस होता रहेगा, यहां पे जरूर लिखना बच्चों सनलाइट या यूवी रे भी लिख सकते हो आप, यूवी रे, ठीक है, सनलाइट। चलो क्या मिलेगा बताइए, आप मुझे बताइए क्या मिलेगा यहां पे, देखो HCl निकालना है, एक H और एक Cl निकाल दो, यहां से एक H और यहां से एक Cl, क्या मिला HCl, HCl मिला, क्या बचा बेटा CHCl2 और ये CHCl3, है यही हमारा क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसका
कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म। अगर आईयूपीएसी नेम देखेंगे तो ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बनाने का यही मेथड है। क्या करते हैं, मीथेन का क्लोरीनेशन, हेलोजिनेशन मतलब रिएक्शन विद हेलोजन। अगर मैं बोलूं क्लोरीनेशन मतलब रिएक्शन विद क्लोरीन, तो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन से क्या मिलता है हमको, क्लोरोफॉर्म मिलता है। क्लोरोफॉर्म जो क्लोरोफॉर्म बनाते हैं ना लैब में वो इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। आप जानते हैं बच्चों क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना, क्या करता है भाई, एक खतरनाक चीज़ है, अगर इस आपने इसको सूंघ लिया तो आप बेहोश हो जाओगे, ठीक है। खैर वही क्लोरोफॉर्म जो थीफ लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। खैर अब देखो CHCl3 मिला, जब तक इसके अंदर हाइड्रोजन रहेगा ना बच्चों, तब तक वो हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। Cl2 फिर से सनलाइट, यहाँ पे सनलाइट लिखते रहना, सनलाइट। अब देखो इसका एक H और इसका एक Cl, HCl। अब H गायब हो गया, क्या बचा, CCl3 और 1,4 CCl4। बेटा यहाँ पे Cl2 था ना, है ना, यहाँ पे CH है, Cl, 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 ये H और ये Cl निकल गया, तो क्या बचा, CCl4 लिख दिया, CCl4, है ना। ट्राइक्लोरो, टेट्राक्लोरो, चार हो गए ना, टेट्राक्लोरोमीथेन। कॉमनली इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो देखो अब CCl4, अब यहां पे H है, जब हाइड्रोजन है ही नहीं तो रिप्लेसमेंट होगा क्या, नहीं होगा, तो इसके आगे रिएक्शन नहीं होगा। तो जो मीथेन का हेलोजिनेशन है, क्लोरीनेशन है, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होता रहता है अगर ज्यादा क्लोरीन डाल दिए तो, ठीक है, और बाद में कार्बन टेट्राक्लोराइड हमको मिलता है, ठीक है। फिलहाल बस आप ये याद रखिए कि क्या करता है वो, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करता है, सब्सटीट्यूशन। CH4 प्लस Cl2, एक Cl यहाँ से और एक H यहाँ से, क्या HCl बच गया, क्या CHCl3, एक दोनों सब्सटीट्यूट करते हैं, तो इसलिए नाम क्या है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, क्लियर है, यस। तो इससे क्या बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। अगर आप बोलेगा भाई सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का क्या काम है, देखो ना कितने सारे कंपाउंड बन गए, क्लोरोमीथेन बन गया, डाइक्लोरोमीथेन बना, क्लोरोफॉर्म बना, कार्बन टेट्राक्लोराइड मिला, ये सब कंपाउंड है और सबका अलग अलग इस्तेमाल है। तो ये हो गया हमारा सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, डन। अब थर्ड है हमारा एडिशन रिएक्शन, नाम ये एडिशन मतलब जोड़ना है भाई, ठीक है, एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन है ना बच्चों, सबसे अच्छा कौन दिखाता है आपको पता है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में सबसे अच्छा दिखाता है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन हमको पढ़ना भी है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब अल्कीन और अल्काइन, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तो अल्काइन, डबल बॉन्ड तो अल्कीन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड करते हैं, हैं, एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं, मतलब वो ऐड हो जाते हैं, किससे ऐड होते हैं, तो हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से। तो हम यहां पर देखने वाले हैं हाइड्रोजिनेशन, क्या हाइड्रोजिनेशन, व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन, मतलब अगर हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो क्या कहलाएगा, हाइड्रोजिनेशन। ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजिनेशन। तो किसका हाइड्रोजिनेशन करना है बच्चों, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में क्या होता है सर, या तो डबल बॉन्ड होता है या तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। चलो दोनों देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं अल्कीन का, है ना, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का। अल्कीन में हम जोड़ने वाले हैं हाइड्रोजन को, तो अल्कीन ले लो, चलो सी डबल बॉन्ड सी, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, चार, 1, 2, 3, 4 एच एच, 1, 2, 3 और ये 4 एच, है ना, यानी कि सी एच टू, अगर चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू। चलिए हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, एच और एच तोड़ के लिख देता हूं, ठीक है, एच और एच हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, तो बताओ क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, ये हाइड्रोजन इसके पास चिपक जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके पास चिपक जाएगा, है ना, तो क्या मिलेगा, देखो ये हमको फिर मिलेगा सी एच एच
देखो ना यहां ऐड हो गया बेटा तो H, और ये वाला सी एच यहां पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ये H कहां ऐड हुआ यहां पे, देखिए ये वाला H इस पे आ गया यहां पे, तो मैंने बेटा यहां नीचे डाल दिया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड लिख दिया, सी एच पहले से था, यहां भी एच पहले से था, अब ये वाला एच यहां पे ऐड हो गया, यहां एच ऐड कर दिया। अब ध्यान दीजिए है ना, कुछ लोगों ने कमेंट भी कर दिया कि सर गलत है, पहले देखो तो ये कार्बन है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, चार, 1 2 3 4 5 हो गया, इज इट पॉसिबल, नहीं, कार्बन हमेशा चार वैलेंसी पूरी करेगा, तब ये कैसे पॉसिबल है, यानी कि जब यहां पे सिंगल बॉन्ड रहेगा तभी पॉसिबल है, 1 2 3 4, हाइड्रोजन को तो ऐड होना ही है, और ऐड कब होगा, जब ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, यानी कि यहां पे क्या दिख रहा है आपको कि जब अल्कीन में हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है अल्केन, है ना, जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं, तो हमको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, अल्केन मिलता है, और इसी रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन या हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। आया समझ में, कितना सिंपल है? यस सर। याद रखिएगा बच्चों, ये रिएक्शन इतने आसानी से होता नहीं है, ठीक है, तो इस रिएक्शन को कराने के लिए या इस रिएक्शन की रेट को बढ़ाने के लिए, ताकि बहुत फास्ट हो जाए, जल्दी हो जाए, यहां पे हमको कुछ कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट उस चीज को बोलते हैं, उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो किसी रिएक्शन की रेट को बढ़ा दे, मतलब रिएक्शन को फास्ट कर दे। जैसे मान लो इस रिएक्शन को होने में 10 मिनट लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है, ये दोनों रिएक्शन करके अल्केन बना रहे हैं, इसको 10 मिनट लग रहा है। अब वही मैं कोई ऐसी चीज मिला दूं जिससे वो रिएक्शन एक सेकंड में हो जाए, एक सेकंड में, कहां 10 मिनट में हो रहा था, कहां एक सेकंड में, या एक सेकंड से भी कम में हो जाए, तो जो चीज हम मिलाते हैं जिसके मिलाने की वजह से इसका रेट बढ़ जाता है, इसका स्पीड बढ़ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करता है? इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो यहां पे हम मिलाते हैं निकल, क्या बेटा? निकल, निकल है ना, निकल भाई क्या है? एक एलिमेंट है। इसके अलावा आप निकल के अलावा प्लैटिनम भी मिला सकते हो, पीटी प्लैटिनम, ये भी एक एलिमेंट है। इसके अलावा पैलेडियम पीडी भी मिला सकते हो, है ना। आगे 11th 12th में पढ़ेंगे हम कि जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ये बेटा डी ब्लॉक में आता है, देखेंगे आगे। ये सब कैटलिस्ट बहुत अच्छा कैटलिस्ट का काम करते हैं। खैर जाने दो, क्या कैटलिस्ट मिलाया? या तो निकल, या तो प्लैटिनम, या तो पैलेडियम, जो मन करे। आपको निकल लिखना है, आप निकल लिखो, सिर्फ काम चल जाएगा, कोई जरूरत नहीं तीनों लिखने का, तीनों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने तीनों बताया। तो क्या देखा आपने? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या बन गया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका नाम क्या था? दो कार्बन, तो बेटा इथ। डबल बॉन्ड को क्या पढ़ते हैं सर? डबल बॉन्ड को पढ़ते हैं इन, और ट्रिपल बॉन्ड को पढ़ते हैं आइन। तो यहां पर डबल बॉन्ड है तो इथ इन, और सिंगल बॉन्ड को क्या पढ़ते हैं? सिंगल बॉन्ड को पढ़ते हैं एन, तो ये हो गया इथ एन। तो इथीन से क्या बना? इथेन, ठीक है। अब मैं बताऊं तो ट्रिपल बॉन्ड भी करेंगे रिएक्शन। देखो ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड, तो कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 1 4 1, यहां पे कार्बन है 1 2 3 1 4, दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन, 4 यहां पे एच डाल दो, एच डाल दो, दो कार्बन तो इथ, ट्रिपल बॉन्ड को पढ़ते हैं आइन, तो इथ आइन, ठीक है। क्या जोड़ना है बेटा? हाइड्रोजन जोड़ना है, H2 जोड़ना है, ठीक है। और हमने क्या बोला कि जब अल्कीन में हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तो बन जाता है अल्काइन, ठीक है। यानी कि डायरेक्टली समझ जाओ आप कि अगर किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में तुम H2 जोड़ोगे तो बन जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बन जाएगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब यहां पर H2 जोड़ते हैं, चलिए H2 जोड़ा हमने, सी ट्रिपल बॉन्ड से जैसा था पहले लिख दिया ऐसा लिख दिया हमने, ठीक है। H2 को खोल दूं? यस सर। ये एक H यहां पे नहीं, इस कार्बन पे जुड़ेगा, और ये एक H इस कार्बन पे जुड़ेगा, तो क्या मिलेगा बताइए बेटा? यहां H और यहां H, यहां H और यहां पे H जुड़ जाएगा, 1 2 3 4 5, फिर से 5 वैलेंसी, गलत है? यस। तो सिंगल बॉन्ड को हटाना पड़ेगा, लेकिन अल्केन मिला क्या? नहीं। सिंगल बॉन्ड मिला क्या? नहीं। डबल बॉन्ड मिला, हाँ। अगर H2 को ऐड करोगे तो डबल बॉन्ड मिलेगा, अगर आपको चाहिए सिंगल बॉन्ड तो H2 और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि यहां पे लिख दो 2H2, यानी कि 4 हो जाएगा। या सिंपली समझो क्या मिला हमको? ये मिला, इसमें फिर से H2 ऐड कर दो, H और H। अब ये H इस कार्बन पे जाएगा, है ना, जगह जहां पे मैं बनाता हूं, यहां पे, और ये वाला H इस पे जाएगा, क्या मिलेगा? CH3, शॉर्ट मार रहा हूं, यहां पे H, यहां पे H, यहां पे H, है, डबल बॉन्ड खुल जाएगा क्योंकि वैलेंसी पूरी होगी, तो डबल बॉन्ड हट जाएगा और बनेगा सिंगल बॉन्ड H, H और H। अब इसी चीज को आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे सर? देखो H C था, ट्रिपल बॉन्ड था CH, यहां पर लिख लो 2H2,
देखो ना यहाँ पे दो एच, यहाँ पे टोटल चार एच टू, फोर एच टू, यहीं पर लिख दो टू टू ज़ा फोर, फोर एच टू, और डायरेक्टली आंसर लिख दो सी एच थ्री सी एच थ्री, सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना, सी एच थ्री सी एच थ्री। तो यही है हमारा एडिशन रिएक्शन। अब देखो इस एडिशन रिएक्शन का फायदा क्या है, आपको पता है जो भी घी बनता है, घी, वेजिटेबल घी जिसको बोलते हैं देसी घी, मक्खन, बटर जो घर में जो खाते हैं हम, भाई ये क्या है, ये कैसे बनता है, ये इसी रिएक्शन से बनता है। जो हमारा ऑयल होता है, ऑयल, सनफ्लावर का ऑयल हो गया, मस्टर्ड का ऑयल हो गया, पीनट का ऑयल हो गया, ओलिव, है ना, ओलिव का ऑयल हो गया, लौंग का तेल, जो भी तेल वगैरह है, ऑयल वगैरह है, वो सब होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब क्या, डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड वाले। जो भी ऑयल बेटा हम खाते हैं या जो भी इस्तेमाल करते हैं वो ऑयल होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि उसमें या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। और जैसे ही उसका रिएक्शन हाइड्रोजन से करा देते हैं, हाइड्रोजिनेशन कर लेता है वो रिएक्शन, तो क्या होता है बच्चों, वो बनाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाएगा तो वो बन जाएगा घी। यानी कि अगर मैं बात करूं हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, लाइक आप ले लो वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, ऑयल जो है वो लिक्विड फॉर्म में होगा, और ये क्या है, ये हमारा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं आर 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 आर, ठीक है, देखो ना कार्बन की वैलेंसी 1, 2, 3, 4, अरे ऐसे भी लिखते हैं, जरूरी नहीं ऐसे और ऐसे लिखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या ये जो स्टाइल है ना ऐसे भी लिख सकते हैं आर आर, ठीक है। आर मतलब क्या, अल्काइल ग्रुप, यानी कि यार यहाँ पे एक और का सी एच थ्री हो सकता है, सी टू एच फाइव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब एच लिख दूंगा तो उसका एक फॉर्मूला फिक्स हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट आर लिख दिया। आर अल्काइल ग्रुप को बोलते हैं, हमने पढ़ा है सी एच थ्री, यानी कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो, सी एच फोर अल्केन है मीथेन, एक हाइड्रोजन निकाल दो सी एच थ्री, एक हाइड्रोजन निकाल दो सी टू एच फाइव हो जाएगा, सी टू एच सिक्स था ना, सी टू एच सिक्स होता है इथेन, एच फाइव हो जाएगा। तो अल्काइल ग्रुप को आर से दिखाते हैं, तो यहाँ पे बहुत मतलब मान लो कुछ कंपाउंड है, कहने का मतलब दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखेगा, वो होता है वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल में जैसे ही आप हाइड्रोजन जोड़ दोगे, किसके प्रेजेंस में, निकल के प्रेजेंस में, फटाक से वो बन जाएगा सी, सिंगल बॉन्ड सी, और यहाँ पे क्या था, ऐसा बॉन्ड बना दे रहा हूँ, यहाँ आर था, यहाँ आर था, यहाँ आर था, यहाँ आर था, यहाँ पे एच और एच ऐड हो जाएगा, है ना, एक देखो ना एच टू है ना, तो एक एच इसके पास जुड़ जाएगा और एक एच इसके पास जुड़ जाएगा, एक एच यहाँ जुड़ गया, एक एच यहाँ जुड़ गया, है ना, इसको ऐसा खोलो एच और एच, ये एक एच यहाँ और एक एच यहाँ जुड़ दिया, तो बन गया अल्केन। और यही होता है हमारा वनस्पति घी, है ना, वनस्पति घी बोलो या देसी घी, है ना। तो वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी जो बनता है वो कौन सा रिएक्शन है, वो एडिशन रिएक्शन है। याद रखिएगा जो वनस्पति घी हो गया या मक्खन हो गया, जो भी सैचुरेटेड ऑयल है, सैचुरेटेड फैट है, है ना, ऑयल में क्या होता है, फैट होता है, फैटी एसिड, दे आर फैटी एसिड, उससे फैट होता है, फैट से हमको एनर्जी भी मिलता है, और ज़्यादा फैट हमारे लिए नुकसान भी करता है। तो आप पूछते हो ना सर कौन सा फैट अच्छा फैट है, तो अनसैचुरेटेड फैट अच्छा फैट है। ये जो हमारा सैचुरेटेड फैट है ना वनस्पति घी, ये होता है सैचुरेटेड फैट, मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, ये नुकसान करता है, इट इज़ बैड फॉर हेल्थ। अगर अनसैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हो तो बहुत तरह तरह की बीमारी हो सकती है, आपका लीवर खराब हो सकता है, हार्ट अटैक की बीमारी हो सकती है आपको, बीपी हाई हो सकता है, अलग अलग तरह की बीमारी हो सकती है अगर हम वनस्पति घी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। यानी कि वनस्पति घी ही नहीं, मतलब सैचुरेटेड जो भी फैट है, जो भी सैचुरेटेड फैट है वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है, तो उसका इस्तेमाल बहुत कम से कम करना, ठीक है। अब एक टेस्ट भी है बेटा जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सैचुरेटेड है कौन अनसैचुरेटेड। मान लो आपको दो केन दे दिया गया, हालांकि हम जानते हैं वनस्पति घी जो होता है ये ऑयल जो होता है ये लिक्विड के फॉर्म में होता है, और ये जो होता है हमारा वनस्पति घी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो फैटी एसिड होता है, ये या तो सॉलिड होगा या तो सेमी सॉलिड, है ना, हल्का हल्का सॉलिड, थोड़ा सा सॉलिड थोड़ा सा लिक्विड दिखता है घी, है ना, तो या तो सॉलिड के पूरा पूरा सॉलिड के फॉर्म में दिखेगा या तो हल्का सॉलिड हल्का लिक्विड, इसलिए सेमी सॉलिड। खैर मान लो अभी दोनों लिक्विड स्टेट में है, यानी कि मान लो घी को गर्म कर दिया गया हो तो लिक्विड बन चुका हो, दोनों लिक्विड दोनों सामने सामने रख दिया गया, आपको बोला गया बताओ कौन सा ऑयल है और कौन सा घी है, पहचानो, कैसे पहचानेंगे कि ऑयल है कि घी है। तो उसके लिए हम ब्रोमीन का इस्तेमाल करते हैं, ब्रोमीन, इसको बोलते हैं ब्रोमीन टेस्ट।
ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है बच्चों हम जानते हैं उसका कलर कैसा होता है, उसका कलर होता है रेड, ब्रोमीन है ना, बी आर, बी आर टू उसमें ऐड कर देते। तो एडिशन रिएक्शन करता है ना अनसैचुरेटेड कार्बन, तो इस बार हाइड्रोजन ऐड नहीं करते, हाइड्रोजिनेशन नहीं करते हैं, ब्रोमिनेशन है ना, ब्रोमीन ऐड कर देते हैं। जैसे देखो हैलोजिनेशन में क्लोरीन सीएल टू ऐड किया था, उसी तरह ब्रोमीन ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही उसमें ब्रोमीन डालते हैं बेटा, ब्रोमीन का कलर होता है रेड, ठीक है, और ब्रोमीन लिक्विड लेते हैं हम लोग, लिक्विड, लिक्विड के फॉर्म में रेड कलर का होता है। और जैसे ही आप डालोगे, ठीक है, ब्रोमीन, अगर उसका कलर चेंज हो गया, कलर गायब हो गया, यानी कि रेड से उसका कलर कलरलेस हो गया, या आप बोलो रेड कलर वैनिश हो गया, गायब हो गया, रेड कलर जो है वो वैनिश हो गया, गायब हो गया, तो समझ जाना कि वो हमारा वेजिटेबल ऑयल है, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही एडिशन रिएक्शन दिखाएंगे, ही जुड़ेंगे, क्योंकि उनके पास एक बॉन्ड, बॉन्ड को तोड़ के वो जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में रखोगे तो वो एडिशन रिएक्शन नहीं करेंगे, और जब नहीं करेंगे तो क्या होगा बताओ, ब्रोमिनेशन जब ऐड ही नहीं होगा तो कलर चेंज ही नहीं होगा। तो ब्रोमीन दोनों दोनों में बारी बारी से डालना, जिसमें कलर चेंज हो जाएगा, समझ जाना कि वो क्या है, क्या है जल्दी बताओ, वो हमारा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, जिसमें कलर चेंज नहीं होगा, वो क्या है हमारा, घी। इस तरह टेस्ट कर लोगे, यस सर। चलो फटाक से अब एक और रह गया हमारा ऑक्सीडेशन, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो फिर इरेज करके आगे बढ़ते हैं। ओके, तो फोर्थ है हमारा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक। ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। एक्चुअली ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है, इसको आप बोल सकते हो कंप्लीट कंबशन, मतलब कोई चीज अच्छे तरीके से जल रहा है, उसको अच्छे तरीके से ऑक्सीजन मिल रहा है ना, आप इसको कंप्लीट कंबशन भी बोल सकते हो, है ना, यानी कि कंबशन, जो कोई चीज अगर जलेगा तो बहुत अच्छे से जलेगा, है ना। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या, ऑक्सीजन से रिएक्शन करना। तो जैसे सबसे बेहतर एग्जांपल है, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीडेशन करता है, बहुत सारे करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे और हमारे सिलेबस में अल्कोहल का देखना है, अल्कोहल, अल्कोहल में भी बेटा इथेनॉल का, ठीक है। जैसे मैं ले रहा हूँ CH3CH2OH, इसको बोलते हैं इथेनॉल। इसकी प्रॉपर्टी भी पढ़नी है हमको, इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी, इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी, इथेनॉल के बारे में डिस्कस करना है हमको, ठीक है। तो इथेनॉल अभी ये करता है ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन से रिएक्शन। अब यहां पे मैंने ओ को स्क्वायर ब्रैकेट में डाला है, मैं बता रहा हूं क्यों, ठीक है। अभी देखो इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में इसलिए इसको दिखाते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है ये नेसेंट ऑक्सीजन है। नेसेंट का मतलब न्यूली बॉर्न, नेसेंट का मतलब न्यूली बॉर्न, अभी अभी इसने जन्म लिया। जो ऑक्सीजन नेसेंट होते हैं ना, वो किसी ना किसी कंपाउंड, दो कंपाउंड से रिएक्शन करके आते हैं। जैसे जैसे बेहतर एग्जांपल एक और है, ओजोन, ओजोन गैस बेटा यहाँ से स्ट्रेटोस्फीयर पे, जमीन से ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर पे ओजोन का लेयर है जो हमको अल्ट्रा वायलेट रे से बचा रहा है। अगर अल्ट्रा वायलेट रे जमीन पे आ गया, अर्थ पे आ गया, तो स्किन कैंसर हो सकता है, ये गैस बचाता है। लेकिन हम जो पॉल्यूशन कर रहे हैं बच्चों, ये पॉल्यूशन क्या होता है, इसको तोड़ देता है और ये बन जाता है O2 और O, और यही वो क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन। जो नेसेंट ऑक्सीजन होते हैं, जो न्यूली बॉर्न होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा, और किसी भी कंपाउंड को बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज कराते हैं, यानी कि तुरंत रिएक्शन करा देंगे, इस कंपाउंड को तुरंत रिएक्शन करा देंगे, आया समझ में। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने नेसेंट ऑक्सीजन लिया। अब सर ये इसको मिलता कहाँ से है, तो देखो यहाँ पे हम लेते हैं एसिडिफाइड KMnO4, या आप अल्कलाइन KMnO4 भी ले सकते हो, या आप अल्कलाइन K2Cr2O7 ले सकते हो, या आप एसिडिफाइड K2Cr2O7, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, लिख दो पोटेशियम डाई, शॉर्ट में लिखा है POT, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। खैर अब ये जो होता है ना, ये बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये बहुत अच्छा, मतलब इनकी मदद से कोई भी कंपाउंड आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, और इसीलिए हम इसका इस्तेमाल यहाँ पे कैटलिस्ट में करते हैं, मतलब रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा, तुरंत रिएक्शन करा देगा। अभी देखो ये करता क्या है, ये KMnO4 है,
ये रिएक्शन करता है H2SO4 के साथ, ये क्या बेटा एसिड, मैंने क्या बोला एसिडिफाइड, यानी कि एसिड मिला हुआ है इसमें, 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 लेते हैं, यानी कि इस रिएक्शन में 5% हम लेते हैं KMnO4 और H2SO4 का सॉल्यूशन पानी के साथ, है ना, ये एसिड जो होता है वो पानी के साथ रहता है ना, हम जानते हैं पानी एसिड, एसिड को एसिड में हम पानी मिला सकते हैं, तो ये हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है, ये H2SO4 है, ये रिएक्शन करके देता है K2SO4 MnSO4 H2O और यहां मिलता है नैसेंट ऑक्सीजन, क्या मिलता है बच्चों नैसेंट ऑक्सीजन, और यही नैसेंट ऑक्सीजन इसको देता है, यानी कि ये KMnO4 एसिड से रिएक्शन करके नैसेंट ऑक्सीजन बनाता है जो इसको देता है, अब ये रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके बनाता है CH3CH2COOH, यहां पे दो नैसेंट ऑक्सीजन जहां पे इसको दो की जरूरत होती है, देखो ना CH3COOH, अब देखो CH3 और ये OH, ये OH और एक ओ लिया इसने, एक ओ लिया OOH और यहां पे मिलता है H2O, फिर से तोड़ के बताता हूं, देखो CH3 था बेटा, यहां पे CH2 और यहां OH था, अब यहां पे दो ऑक्सीजन है ना, ऐसे लिख देता हूं O और O दो है, ठीक है, तो देखो ऐसे लिख लो, ये H यहां से एक H, या इसको इस H को रहने दो एक मिनट के लिए, यहां पे ये H2 है, इस H2 और ये O, ये क्या बन गया H2O, यहां हो गया H2O, क्या बता जल्दी बताओ CH3 COO, ये O OHH है ना, और इसी का नाम है एसिटिक एसिड, 3-4%, अगर 4% एसिटिक एसिड किसी सॉल्यूशन के अंदर है वो क्या कहलाता है विनेगर सिरका, तो विनेगर बनाने का मेथड भी ये है ना, कैसे बनता है सिरका भाई, अल्कोहल ले लो इथेनॉल, उसका ऑक्सीडेशन करा दो, क्या मिल जाएगा एसिटिक एसिड, याद रखिएगा ये जो KMnO4 है ना इसका कलर होता है पर्पल, कैसा होता है कलर, पर्पल कलर होता है, तो आप देखेंगे कि जब ये रिएक्शन होगा तो आप नोटिस करना, अगर प्रैक्टिकल में आप देखोगे लैब वगैरह में अगर प्रैक्टिकल होगा तो नोटिस करना कि KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का जब रिएक्शन होगा तो धीरे धीरे इसका कलर गायब होने लगेगा, पर पहले रखा हमने पर्पल कलर था, गायब हो रहा है मतलब क्या, इसमें वो पार्टिसिपेट कर रहा है, और फिर आप कुछ टाइम के बाद देखोगे फिर गायब हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब बात यह है कि बस ये इतना काम करता है कि इसको ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन देने के बाद फिर चला जाता है, तो जो कैटलिस्ट होते हैं इट डज नॉट टेक पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन बट इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, बस रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, स्पीड को बढ़ा देते हैं, ना कि उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसीलिए KMnO4 का जो कलर है पहले डीकलराइज होने लगता है, पहले गायब होने लगता है धीरे धीरे, तो हमको लगता है क्या KMnO4 इसमें मिल गया है इसलिए धीरे धीरे कलर गायब हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद देखोगे तो कलर वापस आ जाता है ना, प्रैक्टिकल भी आप देख सकते हो लैब में, तो ये था ऑक्सीडेशन जहां पे हमने देखा इथेनॉल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बना रहा है एसिटिक एसिड, आया समझ के बेटा, इसलिए तोड़ के मैंने एक्सप्लेन किया, तो ये था हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, कार्बन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को, कुछ क्या बच्चों, दो ही पढ़ना है, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड। इथेनॉल इसका कॉमन नेम है इथाइल अल्कोहल, क्या नाम है बच्चों, इथाइल अल्कोहल, हाँ वही अल्कोहल, सही सुन रहे हो आप, वही दारू बोल लो, शराब बोल लो, है ना, वाइन बोल लो, बिस्की बोल लो, बियर बोल लो, है ना, वही है वही, उस सब के अंदर क्या होता है, अल्कोहल ही रहता है बच्चों। तो ये अल्कोहल की अगर हम बात करें तो अल्कोहल जो होता है बेटा ये लिक्विड फॉर्म में होता है, सब लोग जानते हैं भाई लिक्विड होता है, है ना, तो अगर मैं बात करूं इसके स्टेट की तो स्टेट कैसा होता है इसका, लिक्विड में भी बच्चों कैसा, वोलाटाइल का मतलब होता है ऐसी चीज जो जल्दी इवेपोरेट हो जाए, है ना, तुरंत वेपर बन के उड़ जाए, जैसे पेट्रोल हाथ पे रखोगे देखोगे तुरंत वेपर बन के गायब हो जाएगा, है ना, एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर हाथ पे रखो गायब, मतलब क्या होता है वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं, वेपर बन जाते हैं, है ना, उसको बोलते हैं वोलाटाइल। तो अल्कोहल भी हमारा वैसा ही होता है, ठीक है। और अगर बच्चों हम बात करें इसके कलर की कि सर इसका कलर कैसा होता है, तो बच्चों इसका कोई कलर नहीं होता, जैसे पानी का कोई कलर नहीं होता है उसी तरह इसका भी कोई कलर नहीं होता, यानी कि ये कलरलेस होता है। अगर हम बात करें ऑर्डर की,
ऑर्डर यानी कि स्मेल, ऑर्डर का मतलब क्या होता है बच्चों, स्मेल। स्मेल की बात करें तो इसका स्मेल जो होता है वो होता है वेरी डिस्टिंक्ट, बहुत अलग होता है, वेरी डिस्टिंक्ट स्मेल, या आप बोल लो प्लेजेंट स्मेल, है ना। जो लोग इसको पीते हैं यार उनके लिए तो ये सुहावना ही है। वैसे ये बहुत सारे अल्कोहल ऐसे हैं जिसको बनाया जाता है कि उसको स्मेल करने के बाद मन कर उसको पी लें, मतलब उसका स्मेल जो होता है थोड़ा अच्छा होता है, प्लेजेंट स्मेल, सुहावना स्मेल, ठीक है। और अगर हम बात करें बच्चों इसके टेस्ट की, किसका टेस्ट कैसा है, तो बर्निंग टेस्ट है ना, बर्निंग टेस्ट। कभी चाय पिए गरम, जब जल जाता है तो कैसा फील होता है, वो टेस्ट लगता है सोचो। फिर भी पता नहीं लोग जो अल्कोहल को कंजम्पशन करते हैं कैसे पीते हैं यार, है ना, है ना, सुनने भी थोड़ा अजीब है, लेकिन खैर जाने दो। कुछ लोगों को इसका आदत लग जाता है जिसकी वजह से वो पीते हैं, दे आर एडिक्ट ऑफ अल्कोहल, है ना, उनको एडिक्शन हो जाता है अल्कोहल का। खैर तो बच्चों हम ये किसकी बात करें, ये हो गई, ये चीज़ें हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि यार अगर फिजिकली देखा जाए तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो लिक्विड फॉर्म में है, कलरलेस है, उसका स्मेल प्लेजेंट है, टेस्ट उसका बर्निंग है, ठीक है। और बात करें सॉलिबिलिटी की, कि भाई पानी में घुलता है क्या, वो मूवी में देखा है ना अल्कोहल को एकदम आइस में डाल डाल के पीते हैं, मतलब यार पानी में घुलता है। अल्कोहल एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना जो पानी में डूब डूब कर घूमता है, डूब डूब कर घुल जाता है, मतलब यार आप कितना भी पानी मिला दो अल्कोहल में आराम से वो घुल जाएगा, उसमें मिल जाएगा। तो अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, या बोल दो इथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर इन एनी प्रोपोर्शन, कितना भी अमाउंट ले लो, कितने भी प्रोपोर्शन ले लो, वो मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसके बॉइलिंग पॉइंट की, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस, कितना बच्चों, 78 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और बात करते हैं, और क्या बात करें सर, स्टेट देख लिया, कलर देख लिया, ऑर्डर देख लिया, टेस्ट देख लिया, सोलेबिलिटी देख ली, बॉइलिंग पॉइंट देख लिया। देखिए थोड़ा सा बात करते हैं इथेनॉल के बारे में, तो बच्चों जो प्योर इथेनॉल होता है ना, प्योर इथेनॉल, उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। क्या बोल रहा हूँ मैं, प्योर इथेनॉल, यानी कि उसमें थोड़ा भी पानी नहीं है, 100% वो इथेनॉल है, तो उसका नाम होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल। और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो अगर कोई मान लीजिए एब्सोल्यूट अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहा है, उसको पी रहा है, तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर पूरा वाटर थोड़ा भी अमाउंट में नहीं है, 100% इथेनॉल है, ये बहुत ज़्यादा जानलेवा है, इट कैन लीड्स टू डेथ, इट मे बी लीथल, लीथल मतलब क्या, जानलेवा। इसलिए एब्सोल्यूट अल्कोहल को तो लेना ही नहीं चाहिए, वैसे तो अल्कोहल लेना ही नहीं चाहिए, चाहे वो एब्सोल्यूट हो या स्पिरिट। देखो 5% जो इथेनॉल होता है ना, 5% इथेनॉल, उसको हम लोग बोलते हैं स्पिरिट या रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट के नाम जानते हैं सर, स्पिरिट मतलब तो होता है आत्मा, अल्कोहल आत्मा है क्या, अरे नहीं, देखो मतलब स्पिरिट इसको बोलते हैं, 5% इथेनॉल को स्पिरिट के नाम से जानते हैं। जो इथेनॉल है ना, इसका बहुत सारा यूज है, यूज जैसे मैं बताऊं तो इसका इस्तेमाल है वुंड हीलिंग में, यानी कि किसी को जख्म हो गया, वुंड है ना, जख्म, और जख्म में इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको डिसइन्फेक्ट करने के लिए अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। अरे डेटॉल, सैनिटाइजर, ये सब में क्या होता है, अल्कोहल होता है। तो कहीं पे लग गया आपको चोट वगैरह, या स्किन में अगर माइनर इन्फेक्शन आ गया है, स्किन में माइनर इन्फेक्शन आ गया है, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है, तो उसको डिसइन्फेक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का। बहुत सारी मेडिसिन्स बनती हैं अल्कोहल से, है ना। तो अल्कोहल का मतलब ऐसा मेरा मानना है कि पहले जब साइंटिस्ट, तो लगभग 350 है ना, अभी तो 2022 चल रहा है, 350 की बात कर रहा हूँ मैं, 350 से लेके 1500, इस पीरियड को बोलते हैं अल्केमी पीरियड। अल्केमी मतलब क्या कर रहे थे ना, कुछ केमिकल्स, कुछ साइंटिस्ट थे जिनको हम लोग अल्केमिस्ट बोलते हैं, मतलब एक्चुअली क्यों बोलते हैं बता रहा हूँ मैं, वो क्या कर रहे थे, वो कुछ चीज़ ढूंढ रहे थे, वो दो चीज़ें ढूंढ रहे थे, एक एलिक्सिर ऑफ लाइफ, एलिक्सिर मतलब यार अमृत है ना, जिसको पीने के बाद आदमी हमेशा हमेशा के लिए जवान रहेगा, तो वो ढूंढ रहे थे एलिक्सिर ऑफ लाइफ। और दूसरा ये ढूंढ रहे थे वो फिलोसोफर्स स्टोन, मतलब कोई ऐसा पत्थर जो जिंक कॉपर ये सब बेस मेटल है, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ये सब मेटल को वो सोना बना दे, गोल्ड बना दे,
तो यार ये रियलिटी नहीं है, ये सब बस उनका मानना था कि कैसा होगा। एलिक्सिर ऑफ लाइफ यानी कि कुछ अमृत उमृत नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, ना ही ऐसा कोई स्टोन एग्जिस्ट करता है जो किसी भी चीज़ को सोना बना दे, है ना। तो खैर वो इसके लिए केमिकल रिएक्शंस कर रहे थे, प्रैक्टिकल कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, तो ये सब तो हाथ नहीं लगा क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लेकिन बहुत सारे प्रोसेस हाथ लग गए। यानी कि आज जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है, मेटल्स को जमीन के अंदर से निकालते हैं, उसको प्योरीफाई करते हैं, या बहुत सारे प्योरीफिकेशन के मेथड, डिस्टिलेशन वगैरह, ये सब मेथड की डिस्कवरी हुई। जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता उसकी डिस्कवरी कैसे हो सकती है, लेकिन चलो। तो उनको स्पिरिट इसलिए उन्होंने बोला रहेगा क्योंकि देखा रहेगा जैसे ही अल्कोहल डाल रहे हैं वो जख्म का इन्फेक्शन ठीक हो जा रहा है ना, तो ये एक आत्मा जैसा काम कर रहा है, हाँ कुछ तो आया जिसने इसको ठीक कर दिया है ना, तो लाइक दैट बोल दिया होगा स्पिरिट, है ना। तो खैर 5% इथेनॉल इज कॉल्ड एज स्पिरिट, और 100% अगर प्योर इथेनॉल रहेगा तो क्या कहलाएगा वो, एब्सोल्यूट अल्कोहल। ठीक है, ये अल्कोहल के बारे में कुछ बातें समझ में आई। यस सर, अगर मैं बात करूँ ना इसके नेचर की, एक बात और देख लो, नेचर नेचर तो भाई ये न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, चलो साथ में इथेनॉइक एसिड का भी देख लेते हैं, है ना, कम टाइम में हो जाएगा। इथेनॉइक एसिड बच्चों इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। क्या नाम है? एसिटिक एसिड। अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, हम फिजिकल प्रॉपर्टी की लिख लिया कीजिए बेटा, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है मैं जानता हूँ, लेकिन आप लोग लिख लिया कीजिए, नहीं समझ में आया तो पूछ लिया कीजिए। सर कैसे पूछें? कमेंट करके। फिजिकल प्रॉपर्टी, तो पहला अगर इसकी स्टेट की बात करें तो भाई ये भी लिक्विड ही होता है। कौन सी स्टेट में होता है? लिक्विड। आपको पता है 5-8% एसिटिक एसिड को हम लोग बोलते हैं विनेगर। विनेगर जानते हो ना, विनेगर सिरका, है ना, जिसको अचार में रखते हैं। अरे अचार जो हिफाजत से रहता है, सालों साल खाते हैं उसी अचार को, क्योंकि उस अचार को हम लोग सिरका में रखते हैं, है ना, विनेगर में, मालूम होगा सबको सिरका, उसी सिरका की बात कर रहा हूँ। तो सिरका के अंदर क्या होता है? एसिटिक एसिड, यानी कि 5-8% विनेगर होता है, वाटर होता है, वाटर के साथ 5-8% एसिटिक एसिड होता है। तो 5-8% एसिटिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं? विनेगर सिरका। तो ये भी बच्चों लिक्विड होता है, ये हमारा सिरका हम जानते हैं लिक्विड स्टेट में होता है। अगर बात करें कलर की तो ये भी कलरलेस होता है। अगर बात करें स्मेल की तो भाई इसका स्मेल कैसा होगा? पंजेंट, क्योंकि एसिड है, मतलब स्ट्रांग होगा इसका एसिड। कैसा होगा इसका ऑर्डर? कैसा होगा? पंजेंट, यानी कि स्ट्रांग, है ना, जो लगेगा अपने को। अच्छा टेस्ट की बात करें भाई तो इसका टेस्ट कैसा होगा? साल टेस्ट, खट्टा, है ना, एसिड कैसा होता है भाई? खट्टा होता है। अच्छा पानी में घुलेगा? बिल्कुल, पानी में नहीं घुलता तो विनेगर कैसे बनता? ये भी सॉल्युबल है इन वाटर में, सॉल्युबल इन वाटर इन एनी प्रोपोर्शन, इसको भी जितना चाहो उतना मिला दो, ये भी पूरी तरह पानी में घुल जाता है। ठीक है, प्रोपोर्शन। लेकिन सर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, आई नो, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है चलो अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट बेटा इसका होता है 118 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इतने टेम्परेचर पर यह बॉइल होता है। कौन हमारा? एसिटिक एसिड, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज़्यादा है। अगर मेल्टिंग पॉइंट देखें, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है लगभग 17 डिग्री सेल्सियस, यानी कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर से भी कम, 17 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक खूबी है, मतलब एक खास बात है एसिटिक एसिड के बारे में। क्या? एसिटिक एसिड को हम लोग ग्लासियल एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। क्या? ग्लासियल एसिटिक एसिड, या बोल दो आप ग्लासियल इथेनोइक एसिड, या ग्लासियल इथेनोइक एसिड। सर ऐसा क्यों बोलते हैं? देखिए ठंडी के मौसम में, विंटर सीजन में, जो विंटर सीजन में जो रूम का टेम्परेचर होता है वो लगभग 17 से नीचे ही होता है। ठीक है, तो 5 हो गया, 10 हो गया, या 1 हो गया, 1 डिग्री सेल्सियस भी होता है, है ना, खासकर उन जगहों पे जहां हमें से ठंडी होती है। तो विंटर सीजन में, ठंडी के मौसम में रूम का टेम्परेचर कम होने की वजह से जो हमारा एसिटिक एसिड है वो आइस बनने लग जाता है, आइस बनने लग जाता है ना। यानी कि जब आप इथेनोइक एसिड को, जब आप इस एसिटिक एसिड को, इथेनोइक एसिड को कूल करोगे, कूल करोगे, ठीक है, कूल करोगे, तो क्या हो जाएगा? वो आपको आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में, और वो आइस दिखता है ग्लासियर के जैसा, है ना, ग्लासियर, ग्लासियर जानते हो ना भाई,
अरे यार बर्फ का पूरा पूरा ऐसा पहाड़ के जिस तरह फॉर्म में रहेगा, बर्फ का बहुत सारा टुकड़ा एकदम पानी के सरफेस पे तैरता रहता है ना, उतना ग्लासियर्स पूरा पूरा, तो उसके जैसे दिखता है ये, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं ग्लासियल एसिटिक एसिड, क्योंकि इट लुक्स लाइक ग्लासियर्स। तो ये इथेनोइक एसिड की बात हो गई बच्चों, और ये बात हुई हमारे इथाइल अल्कोहल की। अब दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि भाई ये दोनों किससे किससे रिएक्शन करते हैं, किससे किससे रिएक्शन करते हैं। तो फटाक से क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको इरेज करके फिर फटाफट केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करूं। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, यानी कि भाई इथेनॉल किस किस से रिएक्शन कर सकता है वो, है ना, उसी को बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बच्चों जो हमारा इथेनॉल है ना, ये दिखाता है सबसे पहले कंबशन रिएक्शन। क्या कंबशन? कंबशन का मतलब, कंबशन का मतलब होता है जलना, या आप बोलो बर्निंग, ठीक है। तो पहले हम बात कर रहे हैं कंबशन की, यानी कि जब आप इथेनॉल को जलाओगे किसके प्रेजेंस में बेटा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, हीट और लाइट। याद रखिएगा कोई भी कार्बन कंपाउंड जब आप उसको जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन अच्छे खासा अमाउंट में मिलना चाहिए, है ना, सफिशियंट अमाउंट में जितना उसको चाहिए, तब वहां से हमको कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और हीट और लाइट मिलता है, है ना। और जो भी चीज हीट दे दे, कोई भी चीज अगर उसको जलाओ और वो हीट पैदा करे, गर्मी पैदा करे, है ना, और उससे हमको फायदा हो, उसको क्या बोलते हैं, फिल। तो हमारा C2H5OH जो है ना बच्चा, एक बहुत ही अच्छा फिल है। एक्चुअली हम इसको क्लीन फिल बोलते हैं, एकदम क्लीन फिल। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा इथेनॉल है ना, ये स्मोकलेस फिल है। स्मोकलेस मतलब धुआं नहीं देता है, ब्लैक स्मोक नहीं देता है, है ना। बाकी के जो कार्बन कंपाउंड है, जब उसको जलाओगे तो काला काला धुआं निकलेगा, अगर ऑक्सीजन उसको कम मिलेगा तो ब्लैक स्मोक पैदा करता है, कहीं ना कहीं धुआं पैदा करता है, है ना। हमारी गाड़ियां देख लो, व्हीकल देख लो, है ना, पेट्रोल डीजल सबका जो व्हीकल होता है, वहां से काला काला धुआं निकलता है। लेकिन ये जो हमारा इथेनॉल है, ये स्मोकलेस है, है ना, यानी कि धुआं नहीं देगा। तो सर क्या हम पेट्रोल की जगह पे ये इथेनॉल यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हो। अरे ये बहुत ही अच्छा फ्यूल है, क्लीन फ्यूल। आपको पता नहीं होगा लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में, कुछ कंट्रीज में पेट्रोल डीजल में ये मिलाते हैं, क्या, इथेनॉल, यानी कि इट इज यूज्ड एज एडिटिव ऑफ पेट्रोल, एडिटिव ऑफ पेट्रोल, है ना, ये पेट्रोल में एडिटिव का काम करता है, यानी कि पेट्रोल में इसको मिलाते हैं, पेट्रोल में ऐड करते हैं, ठीक है। ब्राजील है ना, कौन सा कंट्री है भाई, ब्राजील, ब्राजील, ब्राजील में आपको सिर्फ पेट्रोल में मिलाते ही नहीं, बल्कि पूरा पूरा प्योर इथेनॉल से वहां गाड़ियां भी चलती हैं, व्हीकल प्योर इथेनॉल से। इसका बहुत बड़ा फायदा है, पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। आप बोलोगे सर इतना बड़ा फायदा कि गाड़ी हम चला सकते हैं, है ना, इथेनॉल यानी कि पेट्रोल से के मुकाबले अगर इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल से गाड़ी चल जाएगी, तो पेट्रोल जो अभी इतना महंगा मिल रहा है, क्यों पेट्रोल यूज कर रहे हैं, पेट्रोल पॉल्यूशन भी दे रहा है, तो हमारे इंडिया में क्यों नहीं आया, ब्राजील में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए उसका रीजन सबसे पहले यह है कि हमारे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लिमिटेड है, मतलब इसके लिए एक बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो कि नहीं है। आप बोल सकते हो इनसफिशियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी की वजह से। तो पहला हो गया इनसफिशियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरी बात आप ये बोल सकते हो कि यहाँ जो व्हीकल्स जो बने हुए हैं ना, वो व्हीकल अगर हम ओल्डर इंजन की बात करें तो वो टू स्ट्रोक इंजन होता है। आपको शायद समझेगा नहीं, ये मैकेनिकल टर्म है, फिलहाल समझो कि जो इंजन है ना, वो इंजन में इथेनॉल रन नहीं कर पाएगा। अगर 85% प्योर इथेनॉल भी डाल दोगे ना, तो इंजन खराब हो जाएगा, क्योंकि वो इंजन फ्लेक्सिबल नहीं है, यानी कि उसके लिए एक फ्लेक्सिबल इंजन की जरूरत है जो इथेनॉल को बर्दाश्त कर ले। तो इस तरह की इंजन बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर बात करें ब्राजील में, तो वहां के जो व्हीकल्स हैं, दे आर फ्लेक्सिबल व्हीकल्स, यानी कि उसमें आप कोई भी, आप आराम से पेट्रोल भी डाल सकते हो, आप उसमें इथेनॉल भी डाल सकते हो, जो मन करे आप वो डाल के इसको चला सकते हो। तो अभी देखो, अभी बहुत सारी कंपनी ने, लाइक टोयोटा ने भी बोला है कि वो आने वाले वक्त में ऐसा कुछ इंजन बनाएगा, इंडिया में लॉन्च करेगा, जिससे इथेनॉल से भी गाड़ी चले। इसके अलावा और भी बच्चों दिक्कत है, जैसे मैं बात करूं
कि जो इथेनॉल है इसका बहुत सारा यूज़ है, लाइक मेडिसिन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो इथेनॉल का अगर इस्तेमाल व्हीकल्स में होने लगेगा तो आप जानते हो इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, इतने सारे लोग पूरा पूरा इथेनॉल, यानी कि पेट्रोल की जगह पे सब लोग इथेनॉल का इस्तेमाल करेंगे, तो मेडिसिन में कमी आ सकती है, यानी कि बहुत सारे जो मेडिसिन बन रहे हैं इथेनॉल से, यहाँ तक कि टिंक्चर आयोडीन, ये बच्चों आयोडीन और इथेनॉल का सोल्यूशन होता है, इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड इथेनॉल। आपको पता है इसका यूज़ क्या है? वही, किसी को अगर स्किन में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है तो माइनर इन्फेक्शन को ये ठीक कर देता है, आयोडीन और इथेनॉल का ही सोल्यूशन होता है ना, तो स्किन में इन्फेक्शन को ठीक करता है। इसके अलावा जो कफ सिरप होते हैं ना, कफ सिरप, उसके अंदर भी अल्कोहल होता है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारी मेडिसिन है जहाँ पर अल्कोहल है, तो अल्कोहल का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा उसके लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए मौजूद नहीं है। और अगर हम लोग ने अल्कोहल का इस्तेमाल इसमें कर लिया, व्हीकल में कर लिया, तो हो सकता है इन सब बाकी के कामों में, क्योंकि सिर्फ यही नहीं बल्कि पेंट में, प्लास्टिक इंडस्ट्री में, सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री में, सॉल्वेंट में, जो चीज़ पानी में नहीं घुलती है वो चीज़ अल्कोहल में घुल जाती है, लाइक पेंट जो होता है वो अल्कोहल में घुल जाता है लेकिन पानी में नहीं घुलेगा। तो बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है अल्कोहल का। इसके अलावा बेवरेजेस लोग पीते हैं, वाइन हो गया, विस्की हो गया, बियर हो गया, है ना, लोग पीने में भी काम करते हैं, गवर्नमेंट ने भी परमिशन दिया हुआ है, लोग पीते भी हैं, ठीक। खैर, तो ये सारा जो यूज़ है ना, ये सब यूज़ में हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए, इसीलिए और आगे नहीं बढ़ रही है। और अगर मैं बात करूँ कि इंडिया को जबकि आगे बढ़ना चाहिए, क्यों? क्योंकि देखो पूरे वर्ल्ड में नंबर वन पे अगर कोई शुगर केन ज़्यादा बनाता है, शुगर केन की खेती, गन्ने की खेती अगर कहीं ज़्यादा होती है तो वो होता है ब्राज़ील में, मैक्सिको। और अगर हम बात करें सेकेंड नंबर पे, तो सेकेंड नंबर पे चाइना आता है और थर्ड नंबर पे इंडिया आता है ना, सेकेंड थर्ड ऐसे ही होता रहता है। तो आई थिंक सेकेंड नंबर पे अभी इंडिया हो चुका है शुगर केन के मामले में, बहुत ज़्यादा शुगर केन इंडिया पैदा करता है, ठीक है। उसके बावजूद ये नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि अल्कोहल जो है ना, इथेनॉल, ये शुगर केन से ही बनता है। अब सर शुगर केन से कैसे बनेगा? देखो गन्ना है, गन्ने का जूस निकाला, ठीक है, शुगर केन जूस से शुगर बनता है, चीनी बनता है, आपको मालूम है, बिल्कुल। क्या करते हैं उस शुगर केन जूस का क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, है ना, एक प्रोसेस होता है जहाँ पे वो जूस छोटे 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 क्रिस्टल बन जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे क्रिस्टल, जो चीनी का छोटा छोटा दाना होता है। तो क्रिस्टल बनते टाइम कुछ उसमें कुछ गंदगी बोल दो आप, वो रह जाती है, जो क्रिस्टल नहीं बनती है उसको बोलते हैं मोलासेस। क्या बोलते हैं? मोलासेस, ठीक है। ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, ब्लैक ब्राउन बोल दो, थिक होता है, थोड़ा मोटा सा होता है ना, एकदम गंदा टाइप दिखता है वो मोलासेस। उसके अंदर 30% शुगर रहता है, इसके अंदर 30% शुगर का अमाउंट रहता है और ये बच जाता है। तो ये जो बच गया, शुगर बन गया और ये बच गया, तो इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग अल्कोहल बनाने में। इसके अंदर है शुगर, शुगर यानी कि ग्लूकोज बोलो या शुगर बोलो, यानी कि C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज। अब क्या करते हैं, वहाँ पे एक फंगाई लेते हैं, ईस्ट, है ना, ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम देख नहीं सकते, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसके प्रेजेंस में ये क्या करता है, ये टूट जाता है C2H5OH, ये हमारा इथेनॉल, क्या बन जाता है वो, इथेनॉल, अल्कोहल, ठीक है। तो ये ग्लूकोज ईस्ट के प्रेजेंस में बना देता है इथेनॉल, तो इस तरह इथेनॉल बनता है। तो मैक्स जो हमारा ब्राज़ील है, बहुत ज़्यादा गन्ना होता है वहाँ, तो अल्कोहल बहुत ज़्यादा बनता है, और उन्होंने एक बड़ा सा स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रखा है जहाँ अल्कोहल बनाने का, तो बड़े पैमाने पे वहाँ अल्कोहल बनता है, इसीलिए फिल्म में इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर यही चीज़ हमारे यहाँ भी हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बन जाए, तो आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि हमारा कंट्री भी अल्कोहल को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करे इन व्हीकल। तो देखते हैं क्या होता है। खैर, तो समझ में आया भाई कितना फायदेमंद है हमारे लिए अल्कोहल, है ना, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कंबशन, जलने की, तो ये बहुत ही अच्छा फ्यूल है, इसके बारे में हमको पता चला। चलिए अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा रिएक्शन, सेकेंड है हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करना, है ना। देखिए जलना एक अलग चीज़ हो गया, है ना,
और ये ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कंप्लीट कंबशन, पूरी तरह जल जाना, है ना, पूरी तरह जल जाना, ऐसा बोल सकते हो आप, कंप्लीट कंबशन। तो यहाँ पे जो इथेनॉल है बच्चों, ये रिएक्शन करता है नेसेंट ऑक्सीजन से, स्क्वायर ब्रैकेट में हम ओ लिखते हैं, यहाँ पे ओ टू ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन कभी भी अकेला नहीं होता है, डायटोमिक होता है, इसीलिए ओ टू हमेशा लिखेंगे। लेकिन अगर सिंगल ओ लिख रहे हो तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल ओ जो होता है, ऑक्सीजन जो होता है बेटा, वो नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट मतलब न्यूली बॉर्न, मतलब वो किसी ना किसी चीज़ से बनता है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कैसे बनता है, तो यहाँ पे बनता है एसिडिक के एम एन ओ फोर का इस्तेमाल करके, यानी कि के एम एन ओ फोर और एच टू एस ओ फोर के मिक्सचर से मिलता है ये। अगर मैं इसका रिएक्शन लिखूँ तो के एम एन ओ फोर और एच टू एस ओ फोर देता है के टू एस ओ फोर प्लस एम एन एस ओ फोर प्लस एच टू ओ प्लस ओ। यहाँ पे जो नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है आई थिंक 5 के आसपास मिलता है, बैलेंस करोगे, रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए, मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के चैप्टर में। तो कैसे बैलेंस करते हैं बच्चों, ये आपको आना चाहिए, है ना, मैं बैलेंस नहीं करूँगा अभी, छोटी छोटी चीज़ें, है ना, बस ये वाला बैलेंस कर दे रहा हूँ। यहाँ पे कार्बन 2 है, यहाँ कार्बन 1 है, तो क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 लगा दो, अब कार्बन 2 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 5, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2। तो सबसे पहला यहाँ पे ऑड नंबर है और यहाँ इवन नंबर है, तो ऑड को पहले इवन बनाओ, ये जो ऑड है ना इसको इवन बनाओ तो बैलेंस करना आसान हो जाएगा। तो ये 5 है, नहीं सॉरी ये 5 और 6 है, सॉरी यहाँ ऑड नहीं है बेटा, 5 और 1 6 है, तो हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, अगर 3 देंगे तो 6 हो जाएगा, 3 2 6। ऑक्सीजन कितना यहाँ पे 2 और 1 3, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 3 और 2 2 4, 7 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप 3 दोगे तो 3 2 6 6 और 1 7 हो गया बैलेंस। फिर से देखते हैं, कार्बन 2 कार्बन 2, हाइड्रोजन 5 और 1 6, हाइड्रोजन 3 2 6, ऑक्सीजन 1 और यहाँ पे 3 2 6 6 और 1 7, ऑक्सीजन 2 2 4 और 3 7, ऐसे बैलेंस किया जाता है। तो खैर, तो बच्चों यहाँ पे जो ऑक्सीजन मिलता है ना, इसको बोलते हैं न्यूली बॉर्न, मतलब जस्ट अभी अभी बना है। और जो ये नेसेंट ऑक्सीजन होते हैं ना, नेसेंट ऑक्सीजन वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ये, ठीक है। तो तुरंत ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, और इसीलिए हम KMnO4 को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऐसा एजेंट, ऐसा सब्सटेंस, ऐसा कंपाउंड जो ऑक्सीजन किसी को दे दे, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन देने वाला एजेंट। तो ये देखो, ये ऑक्सीजन दे रहा है ना, ऑक्सीजन मिला इसने, इसको दे दिया ऑक्सीजन, KMnO4 इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करके ऑक्सीजन इसको दे दिया, तो ऑक्सीजन दिया, इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इथेनॉल ऑक्सीडेशन करता है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, दैट इज पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या नाम है इसका? पोटेशियम पर मैग्नेट। इसका कलर होता है पिंक। तो इस रिएक्शन में आप स्टार्टिंग में देखेंगे कि ये जो पिंक कलर है वो वैनिश होता जाता है, गायब होता जाता है, डीकलराइज होता जाता है, यानी कि इसमें हमने पिंक कलर मिला दिया, पिंक मिलाया तो पिंक रहना चाहिए, तो कुछ वक्त के बाद वो डीकलराइज होने लगता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन यूज होता है, ये जो ऑक्सीजन दे रहा है उसका इस्तेमाल यहाँ पे होने लगता है, और फिर KMnO4 एक्सेस अमाउंट में रहेगा, ज़्यादा अमाउंट में रहेगा, तो फिर धीरे धीरे आपको बाद में क्या दिखेगा कि वापस कलर उसका आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इससे हम टेस्ट भी कर सकते हैं भाई कि इथेनॉल है कि नहीं, इथेनॉल मतलब धीरे धीरे पहले कलर गायब होगा, मतलब हाँ भाई उसने ऑक्सीजन इथेनॉल को दे दिया है, ऑक्सीजन ने इस इथेनॉल और इथेनॉल ने इस ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया, उसके बाद फिर बाद में वापस कलर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमको मिलता है CH3COOH+H2O, इसको बोलते हैं हम लोग एसिटिक एसिड, वही इथेनॉइक एसिड है ना। इथेनॉइक एसिड के बनाने का तरीका भी हो गया कि भाई जो हमारा इथेनॉल है इसको ऑक्सीडेशन करा दो, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो, यहाँ पे 2 नेसेंट ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो ऑक्सीडेशन करा दो, अपने आप रिएक्शन हो जाएगा। अब ये हुआ कैसे, देखो मैं तोड़ के लिखता हूँ, ये बच्चों है C2H5OH और ये O और O है, ठीक है। अब आपको H2 निकालना है, चलिए ये C5 है, इसको लिख दो ऐसा, C4 और H, CH5 है ना बेटा, 4 और 1 5, ठीक है। अब ये वाला H और ये वाला H, H2 हो गया और यहाँ से O, H2O निकल गया। क्या बचा देखो, C2 H4 H3 और 1 4
और ये देखो ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन O2 मिला, तो CH3COH क्या नाम इसका, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड है हमारा रिएक्शन विद सोडियम मेटल, सोडियम से रिएक्शन। बच्चों हम जानते हैं सोडियम जो है ना बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है ना, इतना ज्यादा रिएक्टिव कि वो पानी में भी आग लगा देता है। अगर आप उसको खुले एटमॉस्फेयर में छोड़ दोगे तो भी जहां पे रखोगे वहीं पे आग लगना चालू हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर और मॉइस्चर है उससे रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है, यानी कि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तुरंत आग लगा देता है, इसीलिए इसको केरोसिन में डुबो कर रखते हैं, ठीक है। तो भाई जब भी इसका कोई रिएक्शन वगैरह लैब में करना तो बड़े सावधानी से बड़े प्रिकॉशन के साथ करना। तो इथेनॉल ले लिया हमने, ठीक है, उसमें कुछ क्या करना, आप सोडियम मेटल को कुछ काट के रख देना, इथेनॉल लिया और छोटे छोटे सोडियम मेटल को आप काट के उसमें रख देना, ठीक। तो क्या देखोगे तुरंत रिएक्शन होने लगेगा तेजी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और ये बना देगा C2H5। देखो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा तो क्या बचा C2H5O और ये Na और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाए, ठीक है। अब ये बच्चों ये O है, O कौन सा ग्रुप होता, ईथर है ना, इसके इस साइड में भी बॉन्ड, यानी कि इस साइड में कुछ जुड़ा हुआ है, इस साइड भी कुछ जुड़ा हुआ है, ओके। तो ये क्या है हमारा ईथर, ईथर का नाम क्या है, ऐसे कैसे पढ़ते हैं इसको, अल्क ऑक्साइड है ना, ठीक है। तो ये हमारा क्या है भाई सोडियम, तो उसको बोलते सोडियम। आगे क्या है, ये दो कार्बन तो इथ इथ, और ये हम क्या पढ़ते हैं अल्क, अल्क इथ हो गया, अब ऑक्साइड सोडियम इथ ऑक्साइड, क्या नाम इसका सोडियम इथ ऑक्साइड, ठीक है। लैब में हम टेस्ट भी करते हैं, मान लो कंपाउंड मालूम नहीं है हमको कौन सा कंपाउंड है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है तो हम समझ जाते हैं कि सोडियम मेटल अगर डाल रहे हैं किसी चीज में और हाइड्रोजन गैस दे रहा है मतलब वो कौन हो सकता है, अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है। यानी कि क्या करना, आप इसको ये रखने के बाद कॉक से बंद कर देना और यहां पे एक डिलीवरी ट्यूब लगा देना या बेंट ट्यूब बोल दो आप, ठीक। तो यहां से क्या निकलेगा, यहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। आप एक बर्निंग कैंडल, जलता हुआ कैंडल लेके आओगे तो क्या देखोगे, ये और तेजी से जलने लगेगा पॉप साउंड के जैसा, है ना, जैसे गुब्बारा फटता है पॉप बोलता है ना, उसी साउंड से, पॉप साउंड से हमारा हाइड्रोजन गैस जलने लगेगा। पॉप साउंड है मतलब कौन सा गैस है, मतलब हाइड्रोजन गैस है। और हमने इसके अंदर क्या मिलाया था, सोडियम, मान लो बाकी का जो कंपाउंड मिलाया है इथेनॉल मालूम नहीं क्या है, सोडियम के साथ कोई सोल्यूशन मिलाया और देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस आ रहा है, पॉप साउंड मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, तो कौन सा ऐसा बताओ कंपाउंड होगा जिसमें सोडियम मेटल डालने के बाद हाइड्रोजन गैस मिलेगा, तो इथेनॉल, इथेनॉल है ना। तो ये एक टेस्ट में भी इसका काम आता है, तो टेस्ट फॉर इथेनॉल, ये रिएक्शन हम लोग इथेनॉल को टेस्ट करने में भी करते हैं, ठीक है। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। अब एक चीज और याद रखना इसमें कि मैग्नीशियम से कर सकते हैं क्या, नहीं, मैग्नीशियम जो है ना वो उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करेगा। सोडियम जो है इसके वाटर के सरफेस पे खूब तेजी से तैरने लगेगा, एकदम डांस डांस करने लगेगा एकदम, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, है ना, आपको ऐसा लगेगा डांस कर रहे हैं, लेकिन मैग्नीशियम नहीं रिएक्शन करेगा क्योंकि मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम। तो मैग्नीशियम से रिएक्शन करोगे तो नहीं होगा, देयर विल बी नो रिएक्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फोर्थ है हमारा डिहाइड्रेशन, मतलब हाइड्रेशन, पानी, डी निकालना, रिमूवल ऑफ वाटर को बोलते हैं हम लोग डिहाइड्रेशन, पानी का निकालना, ठीक है। यानी कि इस अल्कोहल को अगर तुम गर्म कर दोगे ना 170 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि जो हमारा इथेनॉल है ना इसको तुम गर्म कर दो 170 डिग्री सेल्सियस पे, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ले लेना एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम करता है क्या भाई, एक रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देता है, रिएक्शन बहुत जल्दी से होता है। तो आप क्या देखोगे कि यहाँ से पानी निकल जाएगा, चलो इसको तोड़ते हैं, C2H4 और HOH लिखता हूँ, है ना, देखो 4 और 1 5, है ना, HOH H2O यहाँ से निकल गया, H2O क्या बचा जल्दी बताओ, क्या बचा C2H4, C2 यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और H4, तो यहाँ देखो 1 2 3 और ये 4 C2H4, हाँ? तो बच्चों वैलेंसी पूरी हुई कार्बन की, 1 2 3 नहीं हुई, डबल बॉन्ड देंगे तो 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4। और वैसे हम जानते हैं C2H4 क्या है भाई, इथीन है, डबल बॉन्ड है, अल्कीन है,
तो यहां पे हमको क्या मिलता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अगर आप इथेनॉल का डिहाइड्रेशन करोगे 170 डिग्री सेल्सियस पे तो आपको क्या मिलेगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर हुआ? चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इरेज करके आगे बढ़े। पांचवा, अब है फिफ्थ हमारा, रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड, यानी कि उसकी एसिडिक एसिड, ये सब इसका नहीं है, सब अल्कोहल का पढ़ रहे। रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड, यानी कि एसिडिक एसिड से भाई रिएक्शन करा दो। चलो ले लो हमारा इथेनॉल C2H5OH, क्या लेना है भाई, सर ले लीजिए एसिडिक एसिड CH3COOH। तो क्या करना, आप एक बीकर लेना, ठीक है, उसमें ना 1 ml क्या कर लेना, आप डाल देना भाई इथेनॉल, 1 ml इथेनॉल डाल देना, है ना, यानी कि इथाइल अल्कोहल, ठीक है। 1 से 2 ml क्या कर लेना, ग्लासियल एसिडिक एसिड बोलते हैं ना, बताया ना, इसको हम लोग ग्लासियल एसिडिक एसिड भी बोलते हैं, क्योंकि जब इसको ठंडा करोगे तो ये ग्लासियल के जैसा दिखता है ना, बर्फ के जैसा, आइस। तो आप ये मिला दो 1 ml हमारा एसिडिक एसिड, ठीक, 2 से 4 ड्रॉप डाल दो आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का, क्यों डालोगे, ताकि रिएक्शन फास्ट हो, ठीक है, और फिर इसको गर्म कर दो भाई, ठीक है, गर्म कर दो। तो गर्म करने के बाद क्या करना, आप जब गर्म हो जाएगा तो इसको थोड़ी देर के बाद एक 50 ml का वीकर ले लेना, जहाँ पे 50 ml वाटर होगा, ज़रूरी नहीं जितना मैं वैल्यू लिखूँ उतना ही हो, लेकिन लैब में ये वैल्यू जो 1 ml 1 ml 50 ml करके निकाला गया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो भाई इथेनॉल लिया हमने, एसिडिक एसिड लिया और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को मिला के गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद 5 मिनट तक गर्म करो, 5 मिनट्स तक गर्म करना है। गर्म करने के बाद फिर ये जो है ना हमारा पानी जिसमें 50 ml पानी है, इसमें ये चीज़ फिर डाल दो, तो आपको एक अलग फिर स्मेल करोगे तो आपको एक अलग ही स्मेल आएगा, फ्रूट स्मेल, एकदम सुहावना, प्लीजेंट स्मेल, यू विल गेट प्लीजेंट स्मेल, यू विल गेट स्वीट स्मेल, मीठा मीठा, यू विल गेट फ्रूटी स्मेल, फ्रूट के जैसा स्मेल मिलेगा। और फ्रूट के जैसा स्मेल होता है ईस्टर का, किसका, ईस्टर का, क्योंकि यहां पे बनता है ईस्टर, और इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ईस्टरीफिकेशन, ईस्टरीफिकेशन। देखो क्या होगा यहां पे, यहां पे रिएक्शन देखो, ये जो हमारा है C2H5, पहले तो HOH निकाल दो, H2OH क्या मिला, H2O गया, क्या बचा देखो, C2H5 O, फिर CH3 CO CO CH3, है ना, ऐसा लिखेंगे CO CH3, और हम जानते हैं बच्चों RCOOR- यही तो होता है हमारा ईस्टर। देखो ये R या बॉन्ड, सिर्फ बॉन्ड लिखो, चलो बॉन्ड, सिर्फ बॉन्ड लिखते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, है ना, ये O जो हमारा CO है, CO CO, इसके पीछे देखो बॉन्ड है, CO के पीछे ये वाला बॉन्ड, फिर O, फिर O, फिर ये बॉन्ड, है ना। अरे यार देखो ना, इसको ऐसे लिखो, मान लो CH3CO, ठीक है, OC2H5, लो ऐसे लिख दो CH3COO2H5, यानी कि बॉन्ड CO O, फिर O, देखो ये यहाँ इस बॉन्ड से जुड़ा होगा, ये CO, ये वाला O, और ये बॉन्ड से जुड़ा होगा, है ना, ईस्टर हम जानते हैं बच्चों, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम पढ़ते हम लोग अल्काइल अल्केनोइट, अल्काइल अल्केनोइट, ठीक, इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख दो, ऐसे लिख देता हूँ स्ट्रक्चर फॉर्म में, OCOCH3, ठीक, दो कार्बन, यहाँ भी दो कार्बन, तो इथाइल इथेनोइट, इथाइल इथेनोइट, तो यहाँ पे बनता है ईस्टर, इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन, ईस्टरीफिकेशन, ठीक है। तो आप कोई आपने सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन में अल्कोहल मिला दिया और एसिड मिला दिया, और उसके बाद उसको 5 मिनट के लिए गर्म किया, फिर ठंडा किया और 50 ml पानी मिला दिया, तो उसका स्मेल अगर फ्रूटी आ रहा है, मीठा आ रहा है, तो उस सॉल्यूशन में क्या था, अल्कोहल के साथ एसिटिक एसिड था, है ना, एसिटिक एसिड था। तो एसिटिक एसिड के प्रेजेंस को भी, या आप बोल लो एसिटिक एसिड के साथ दूसरा कौन सा था जिसकी वजह से खुशबू आई, तो अल्कोहल, तो ये भी इसका भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं टेस्ट फॉर इथेनॉल बोल लो और इथेनोइक एसिड, दोनों को
पहचानने में इसका हेल्प हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिएक्शन विद इथेनॉइक एसिड, दैट इज एस्टरीफिकेशन। ये हो गया हमारा इथेनॉल कंप्लीट। फटाक से स्क्रीनशॉट लो, इरेज करके फिर आते हैं इथेनॉइक एसिड पे। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड, जहां पे सबसे पहले हम देखने वाले हैं रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। किसके साथ भाई? कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, अच्छा देखिए, ले लीजिए हमारा इथेनॉइक एसिड, यस सर, CH3COOH। ठीक है, कार्बोनेट्स कोई भी कार्बोनेट ले लीजिए। चलिए जैसे मान लो मैं ले रहा हूँ Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। चलिए देखिए क्या होगा, तो भाई ये एसिड है और हमारा सोडियम कार्बोनेट जो होता है ना बच्चों, वो बेसिक होता है। ये एसिड है और ये बेसिक सॉल्ट होता है, सॉल्ट है लेकिन बेसिक है। ठीक है, तो एसिड बेस क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। जानते हैं एसिड, जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो बनाता है सॉल्ट एंड वाटर, याद रखना हमेशा, एसिड बेस सॉल्ट वाटर, एसिड बेस सॉल्ट, न्यूट्रल न्यूट्रल कर देगा, न्यूट्रल। तो चलो यहां से हमको H2O निकालने का है। ओके सर, H2O निकालने का, तो H2O निकालो फटाक से पहले आप। यस सर, हमने H2O निकाल दिया। इसके अलावा CO2 भी निकलेगा, क्यों? क्योंकि देखो यहां पर ये H है और ये CO3 है, H है और CO3। ठीक, तो अगर मैं मान लो यहां पे लिखता हूं H2CO3, तो H2CO3 बेटा टूटता है H2O और CO2 में। देखिए H2O, ठीक है, इसको तोड़ूं, HHCOO, देखो H2O, CO2, यानी कि H2CO3 टूटता है H2O और CO2 में। तो उसी तरह यहां पे ये टूटता है H2O और CO2 में। ठीक है, अब बच गया, जो बच गया वो लिख दो CH3, COO, COONA। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्योंकि देखो यहां पे हाइड्रोजन एक कम, यहां पे H2 है, यहां पे एक ही हाइड्रोजन है ना। देखो ना, ये वाला H3 तो यहां लिख दिया H3, ये वाला तो यहां पे एक है, यहां पे दो है, बैलेंस नहीं है। सोडियम यहां पे दो है, सोडियम यहां पे एक है, तो इसको बैलेंस हमको करना है। खैर, तो CH3COONA ये मिला हमको। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? सोडियम और ये इथेनोएट, है ना, ये भी बिल्कुल इसके जैसा ही है ना, यानी कि COO, इधर भी बॉन्ड, इधर भी बॉन्ड। क्या होता है ये हमारा होता है ईस्टर। तो यहां भी क्या बना भाई? ईस्ट। चलिए, तो सोडियम दो कार्बन, तो इथेन क्या लगाना है? ओएट, सोडियम इथेनोएट। कॉमन नेम इसका है सोडियम एसीटेट, याद रख लेना, सोडियम एसीटेट। ठीक है, यस सर, ठीक है, ये हमारा मेन कंपाउंड है। यहां भी ईस्टर बना, आप इस रिएक्शन को भी बोल सकते हो ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन। जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करता है बेसिक सॉल्ट के साथ, कार्बोनेट के साथ, तो वो बनाता है ईस्टर, तो ये भी हमारा ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं मैं, बाई कार्बोनेट ले रहा हूं, CH3COH + NaHCO3, बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, और हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या? हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए, अब ये वाला आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए, ये H और ये HCO3, H2CO3 है ना। अभी देखा हमने कि H2CO3 जो होता है, H2CO3 क्या बनाएगा? H2CO3 ना, तो H2O और ये CO2, तो क्या बनाएगा? ये H2O और CO2, क्या बचा? CH3COONA। ठीक है, तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस नहीं करना है, लेकिन यहां जरूर बैलेंस करना। सोडियम बेटा यहां पे 2 है, तो यहां पे भी आपको 2 देना पड़ेगा, यहां पे 2 डाल दो। ठीक है, सोडियम 2, अब ये पूरा 2 हो गया, यहां भी 2 डाल दो। C2 ये वाला, इस वाले का, या पूरा गिनते हैं C2 और 1 3। ठीक है, हाइड्रोजन 3 2 6 और ये 2 8 8, हाइड्रोजन यहां पे कहा गया 3 2 6 और ये 2 8, ऑक्सीजन 1 1 2 2 4 4 और 3 7, ऑक्सीजन कहा गया 4 2 6 1 7, बैलेंस है, सोडियम टू बैलेंस हो गया। ठीक है, खैर, तो ये हो गया हमारा रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ठीक है,
उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों दूसरा, तो आप कर देना दूसरा, रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड, मतलब एक पर एक फ्री इसके साथ, ये लो इसको दो बोल दो, रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड, दैट इज ईस्टरीफिकेशन, है ना, इथेनोइक की जगह अल्कोहल डाल देना, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इथेनोइक एसिड की, तो इथेनोइक एसिड का रिएक्शन किससे कराओगे, अल्कोहल, अल्कोहल के साथ, तो रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड, रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद अल्कोहल, ये हमारा इथेनोइक एसिड हो गया, ये हमारा अल्कोहल हो गया, वही चीज मिलने वाला है, तो ये हमारा हो गया किसकी प्रॉपर्टी, इथेनोइक एसिड की। अभी एक चीज और, पहले फटाक से स्क्रीनशॉट लो फिर बताता हूं मैं, स्क्रीनशॉट लो, ओके, तो अभी देखेंगे हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ठीक है, देखिए हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन, लेकिन यहां पे ईस्टर के लिए लिया गया है, मतलब ईस्टर का टूटना, इसका क्या मतलब है, ईस्टर का टूटना, ठीक है, तो जो हमारा ईस्टर है ना, जैसे आप ले लो CH3COOC2H5, ठीक है, जब इस ईस्टर का हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसी बेस के साथ, लाइक कॉस्टिक सोडा, क्या नाम है, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड, वैसे क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा, तो कॉस्टिक सोडा से जब इसका रिएक्शन कराते हैं ना बच्चों, यानी कि किसी बेस के साथ जब इसका रिएक्शन कराते हैं इस ईस्टर का, ठीक है, तो ये क्या करता है, टूट जाता है, टूट जाता है, और फिर से ये बना देता है पेरेंट अल्कोहल, देखो ना, अल्कोहल से कराया था हमने, है, तो ये फिर से अल्कोहल बना देगा, देखो कैसे बनेगा, जैसे ये हमारा हो गया C2H5 और ये हमारा हो गया OH, तो ये बना दिया इसने C2H5OH, फिर से इथेनॉल बन गया, है ना, अच्छा इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का कराया था हमने, तो क्या बना था, ईस्टर बना था, ठीक है, अब उस ईस्टर में कॉस्टिक सोडा मिला दोगे तो इथेनॉल वापस आ जाएगा, तो इथेनॉल बनाने का एक ये भी तरीका है, क्या बचा, CH3COO और ये Na, तो लिख दो CH3COONA, ठीक है, देखिए सेम चीज मिला है, सोडियम इथेनोएट, यहां भी है सोडियम इथेनोएट, लेकिन फर्क याद रखिए, जब ये कॉस्टिक सोडा से मिलकर बनता है, ठीक है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन, सपोनिफिकेशन, सपोनिफिकेशन इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि इसी मेथड से बनता है सोप, जी हाँ वही सोप, साबुन, है ना, जिससे हम नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, है ना, तो जो साबुन बनता है ना बच्चों, डिटर्जेंट जो बनता है ना, वो इसी से बनता है, इसी रिएक्शन है, यानी कि ये जो सोडियम इथेनोइट है, अगर हमको कॉस्टिक सोडा, ईस्टर और कॉस्टिक सोडा का रिएक्शन कराया और हमको जो ईस्टर मिलता है, उस ईस्टर से क्या बनता है, साबुन, तो जितने भी फैटी एसिड्स हैं, एनिमल ऑयल हो गया, एनिमल फैट हो गया, ठीक है, या प्लांट का ऑयल हो गया, उसको कॉस्टिक सोडा में जब मिलाते हैं, उसके अंदर होता है ईस्टर, फैटी एसिड यानी कि ईस्टर, और उस ईस्टर में हम लोग मिलाते हैं क्या, कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो वहां से हमको बनता है सोडियम इथेनोइट, वहां से हमको ये मिलता है ईस्टर फिर से, और ये हमारा इज नथिंग बट साबुन, ठीक है, साबुन, तो अभी देखो साबुन बनाते कैसे हैं, मैं बता दूं आपको, चलो मैं आपको बताता हूं कि साबुन हम कैसे बना सकते हैं, आप घर पे भी बना सकते हो साबुन, लैब में भी बना सकते हो साबुन, देखो करना क्या है, सबसे पहले क्या करना, आप सबसे पहले आप लेना भाई वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल इज इजीली अवेलेबल, वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, आप ले सकते हो कोकोनट का ऑयल ले सकते हो, ठीक है, आप सोयाबीन का ऑयल ले सकते हो, ठीक है, कोई भी ले सकते हो, ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको भाई, वेजिटेबल ऑयल लेना है, उसके बाद आपको चाहिए कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका मार्केट में या कॉमन नेम क्या है, कॉस्टिक सोडा, और केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तीसरी चीज आपको जरूरत पड़ेगी सॉल्ट की, कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड NaCl, जो घरों में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कॉमन सॉल्ट, सबसे पहले इन तीन चीजों को लेना है, ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आपको काम करना है कि 20 ml आप ले लो वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, क्या करो 20 ml क्या ले लो बेटा, वेजिटेबल ऑयल ले लो, उसके बाद 30 ml आप ले लो कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन ले लो आप 30 ml, है ना, याद रखना ये जो कॉस्टिक सोडा होना चाहिए 20%, मतलब जब कॉस्टिक सोडा और वाटर को मिक्स करेंगे, कॉस्टिक सोडा पाउडर के फॉर्म में रहेगा, वाटर को मिक्स करेंगे तो वाटर का अमाउंट जो है ना 80% होना चाहिए और कॉस्टिक सोडा का अमाउंट 20% होना चाहिए,
ठीक है, और उस सॉल्यूशन को हम लोग 30 ml लेंगे, 30 ml, यहाँ पे 20% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, यानी कि जो कॉस्टिक सोडा होगा वो पानी में 20% घुलेगा, यानी कि अगर मान लो 100 ml का आप बना रहे हो तो 80 ml जो होना चाहिए वाटर होना चाहिए और 20 ml क्या होना चाहिए NaOH होना चाहिए कॉस्टिक सोडा, उससे वो एक्वस सॉल्यूशन मिलाओगे वो 30 ml लेना है और वेजिटेबल ऑयल 20 ml लेना है। और अगर हम बात करेंगे इसकी NaCl की तो 5 से 10 ग्राम आप ये ले लो, ठीक है। सबसे पहले वेजिटेबल ऑयल लो, कॉस्टिक सोडा लो, उसको गर्म करो अच्छे से, गर्म करने के बाद उसको आप चलाते रहो, स्टर करते रहो, फिर उसमें नमक मिला दो, ठीक है। उसके बाद जब एकदम गर्म हो जाए, गर्म होने के बाद जब तक कि वो मतलब एक थिक पेस्ट जैसा नहीं हो जाए तब तक आप उसको मिलाते रहो, फिर एकदम थिक पेस्ट बन जाएगा एकदम, है ना, गाढ़ा हो जाएगा, फिर आप उसको ठंडा करो। उसके बाद आप देखोगे कि क्या होगा कि एक प्रिसिपिटेट बनने लगेगा, जमने लगेगा नीचे की तरफ, है वहाँ से कुछ चीज़ें जो काम की नहीं है वो निकल जाएगी और ये जो हमारा साबुन है, ठीक है, वो क्या होगा, वो जमा होने लगेगा, जमने लगेगा, ठीक है। तो नमक इसीलिए मिलाते हैं ताकि वो आसानी से जम जाए, वरना क्योंकि वो लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, तो लिक्विड के फॉर्म में रहेगा तो मान लो ये इथेनॉल है तो इसी में पूरा पूरा घुल जाएगा वो, इसी तरह उसी में पूरा पूरा मिल जाएगा, तो इसीलिए वो इसमें ना मिले, इसमें ना घुले, वो जम जाए, इसीलिए हम नमक का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह आप अपने घर में या लैब में आप साबुन भी बना सकते हो, है ना, और जब गर्म रहेगा तो वहीं पर अपना नाम लिखना राजू, उसी में अपना नाम लिख देना पेन से, राजू, श्याम, जो भी नाम रहेगा आपका ब्रांड हो गया, है ना, पतंजलि, कोई भी ब्रांड आप बना सकते हो। तो ये है साबुन और ये हो गया हमारा भाई इम्पॉर्टेंट कंपाउंड कंप्लीट। तो बच्चों जाने से पहले कुछ इसका इस्तेमाल यूज़ भी जान लेते हैं। अल्कोहल का तो मैंने आपको यूज़ बताया ही कि भाई पेंट में भी इसका इस्तेमाल होता है, सॉल्वेंट में, है ना, कोई चीज़ अगर पानी में नहीं घुल रही है तो अल्कोहल में घुल जाती है, बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, किसी भी चीज़ को आपस में घुलाता है, कोई भी चीज़ में मिल जाता है ना। अगर आपको किसी को सॉल्यूशन बनाना हो मिला के तो पानी में नहीं अगर घुलेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड खासकर पानी में नहीं घुलते यानी कि कार्बन के कंपाउंड, तो आप अल्कोहल में उसको मिला लो, घुल जाएगा वहाँ। इसके अलावा हमने देखा आयोडीन टिंक्चर में, है ना, जिससे स्किन में अगर कोई प्रॉब्लम इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ पे, मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं, कफ सिरप बनता है, बहुत सारा इसका इस्तेमाल है अलग अलग। और अगर मैं बात करूँ ना तो जो हमारा विस्की बनता है उसके अंदर 30% होता है इथेनॉल, है ना, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। और अगर मैं बात करूँ वाइन की तो वाइन में 10-20% होता है इथेनॉल, और बियर की तो उसमें 6% होता है हमारा इथेनॉल, ठीक है। इसके अलावा अगर इसका नुकसान देखें भाई तो आप जानते हैं बहुत ज़्यादा नुकसान है, अगर जो इसके एडिक्ट हो गए, है ना, जिनको एडिक्शन हो गया, लत लग गई शराब पीने की, दारू पीने की, अल्कोहल पीने की, भाई वो तो गए काम से। अगर किसी को लत लगी है आपके आजू बाजू आस पड़ोस में कोई भी हो, रिलेटिव्स हो या कोई जानने वाले हो, तो प्लीज़ इस आदत को छोड़ाइए क्योंकि ये जानलेवा है। अल्कोहल डायरेक्ट हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, डायरेक्ट CNS पे, ब्रेन पे, तो आदमी अपने कंसियसनेस को खो देता है, उसको खुद नहीं मालूम रहता है कि वो क्या कर रहा है। देखना जो भी लोग ड्रिंक करते हैं ना वो बहुत ज़्यादा झगड़ालू होते हैं, मतलब उन तुरंत लड़ाई करने लग जाएंगे वो, क्योंकि उनका जो कंसियसनेस है वो खत्म हो जाता है, उनको चीज़ें ब्लर दिखाई देगी। इसलिए बोलते हैं कि ड्राइविंग करते टाइम ड्रिंक नहीं करना चाहिए, है ना, अगर आपकी लाइफ आपको प्यारी है तो कभी भी, इसलिए बोला जाता है कि ड्रिंकिंग करके अगर ड्राइव करोगे दैट इज ऑफेंसिव, अपराध माना जाता है, फाइन भी है इसके लिए। इसलिए अल्कोहल लेके, है ना, कभी भी हमको ड्रिंक, कभी भी बाइक या कार कोई भी व्हीकल नहीं चलाना चाहिए, ड्राइव नहीं करना चाहिए। यार पहली बात पीना ही क्यों चाहिए, नहीं पीना चाहिए, कंजम्पशन करो ही मत, है ना। तो भाई दारू शराब नहीं पीना है क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान है, कोई पीता है आजू बाजू आपके आसपास पहचान का तो उसको मना करो, उसको समझाओ कि भाई इसके बहुत सारे नुकसान हैं। आपको पता है अगर अल्कोहल का ज़्यादा अमाउंट में वो ले रहा है रेगुलर पैमाने पे, डेली मान लो पी रहा है, तो उसका लीवर ख़राब हो सकता है, लीवर में कैंसर हो सकता है, किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, अलग अलग तरह की बीमारी हो सकता है, वो अंधा हो जाए, अगर अल्कोहल ज़्यादा लेगा तो ब्लाइंड हो जाएगा, अंधा हो जाएगा, दिमाग तो किसी काम का रहेगा ही नहीं उसका, धीरे 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 कमजोर पड़ता जाएगा, उसकी ब्रेन की पावर खत्म होती जाएगी, चीज़ों को जल्दी भूलने लगेगा, इतनी सारी प्रॉब्लम है यार, है ना। और अगर प्योर इथेनॉल अगर एब्सोल्यूट अल्कोहल दे दो तो कहानी खत्म है बिल्कुल, इट मे लीथल और इट कैन बी लीथल, मतलब लीथल मतलब जानलेवा हो सकता है, इट कैन लीड टू डेथ। अगर मैं बात करूं ना मिथेनॉल की, मिथेनॉल है ना, इथेनॉल में C2H5OH होता है और मिथेनॉल होता है CH3OH। अगर इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल होता है CH3CH2OH और मिथेनॉल CH3OH। तो ये जो हमारा मिथेनॉल है जिसका कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल है,
ये तो और जानलेवा है। मिथाइल अल्कोहल गलती से भी किसी कोई भी लोग कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, गलती से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी मिथाइल अल्कोहल लेता है डायरेक्ट इट कैन लीड टू डेथ, मौत, सीधे मौत है उसकी, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल इट इज नॉट बेवरेजेस, इट इज नॉट अल्कोहल, इट इज पॉइजन। ये अल्कोहल तो छोड़ दो, ये पॉइजन है, जहर है, जहर, ठीक है। तो आपको पता है मिथेनॉल का इस्तेमाल कहां करते हैं? जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है वहां इथेनॉल बड़े पैमाने पे बनता है, बड़े पैमाने पे, है ना, सुगरकेन का इस्तेमाल करके। तो उस इथेनॉल का गलत इस्तेमाल लोग ना करें, लोग ब्लैक से उसको बेचे ना, क्योंकि लोग क्या, आप देख रहे हो सब लोग क्या है, अपने परेशानी को, अपने दुख को, अगर वो प्रॉब्लम में रहते हैं, ठीक है, तो उसको मिटाने के लिए, है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, यार डिप्रेस हो जाते हैं, तो क्या करने लगते हैं, अल्कोहल लेने लग जाते हैं। लेकिन भाई वो डिप्रेशन का शिकार अल्कोहल नहीं है। अगर आप डिप्रेस हो, अगर आप डिप्रेशन में हो, तो प्लीज़ आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, अपने फ्रेंड से मिलिए, अपने रिलेटिव से मिलिए, ये सब चीज़ें कीजिए, ना कि आप अल्कोहल का कंजप्शन स्टार्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा नुकसान है अल्कोहल, बहुत ज़्यादा। तो इस अल्कोहल को रोकने के लिए कि इसको ब्लैक इस्तेमाल ना हो, लोग बेचे नहीं, ये नहीं करें, क्या किया जाता है, उस इथेनॉल में मिथेनॉल मिक्स कर दिया जाता है, ताकि वो डायरेक्ट जो भी पिएगा डायरेक्ट मर जाएगा, जहर है, तो कम से कम इस डर से नहीं पिएगा, और ताकि लोग उसको पहचान लें कि इसके अंदर मिथेनॉल मिक्स है, उसके अंदर कॉपर सल्फेट मिलाया जाता है, कॉपर सल्फेट, जिसकी वजह से वो ब्लू दिखता है, उसका कलर ब्लू दिखता है, इस कॉपर सल्फेट की वजह से उसका कलर ब्लू दिखता है। तो जो इथेनॉल इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पे मिलती है, वो उसका ब्लैक में इस्तेमाल ना कर पाए, उसमें मिथेनॉल मिला दिया जाता है, जहर, ताकि पिएंगे तो मरेंगे, और ताकि वो जाने कि भाई ये जहर है इसमें, उसको टच ना करें। उसके बॉक्स में भी एकदम ब्लू कलर का बॉक्स बना होता है, और उसका कलर भी जो है ना सॉल्यूशन, उसका कलर भी ब्लू होता है, ताकि लोग उसको ले ही ना, ठीक है। लेकिन फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, अल्कोहल बड़े पैमाने पे कंजम कर रहे हैं, ठीक है। खैर, तो ये बात थी इथेनॉल की, इथेनॉल के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान, ठीक है। और ये जो है ना, ये जो मिक्सचर है मिथेनॉल और इथेनॉल और कॉपर सल्फेट का, इसको डीनेचुरेटेड स्पिरिट भी बोलते हैं, डीनेचुरेटेड स्पिरिट, ठीक है। तो भाई ये सब मालूम होना चाहिए ना अपने को, इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि इन चीज़ों से हम दूर रहें, है ना। खैर, चलो अब बात करते हैं हम एसिटिक एसिड, यानी कि इथेनोइक एसिड का यूज़ क्या है भाई। तो भाई इथेनॉइक एसिड का यूज़ का अगर हम बात करें, तो आपको बताया मैंने कि इसका इस्तेमाल होता है विनेगर बनाने में, यानी कि 5-8% अगर इथेनॉइक एसिड है किसी वाटर के अंदर, है ना, वाटर और पानी और एसिड का मिक्सचर, जिसमें 5-8% क्या हो, एसिटिक एसिड हो, इथेनॉइक एसिड हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग विनेगर, सिरका। और इसका इस्तेमाल होता है प्रिजर्वेटिव, है ना, बचा के रखते हैं अचार को रखने में, है ना, अचार को सिरका के अंदर रखते हैं, ताकि अचार सुरक्षित रहे, सालों साल खा सको। इसके अलावा पेंट में इसका भी इस्तेमाल होता है, डाई में इसका इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है, फाइबर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। और नुकसान देखें तो भाई एसिड है, एसिड करोसिव होता है, किसी भी चीज़ को आसानी से जला देगा, खराब कर देगा, तो इसका क्या है, करोसिव नेचर है। लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बन कंपाउंड्स का, वह है हमारा मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स। व्हाट इज मीन बाई मैक्रो मॉलिक्यूल्स, नाम ही है मैक्रो मतलब बड़ा, है ना, तो बड़ा मॉलिक्यूल्स मतलब काफी बड़ा मॉलिक्यूल्स, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हो, और मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम इज नोन एज मैक्रो मॉलिक्यूल्स। क्या बोला बेटा, अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, बहुत ज्यादा इसके अंदर एटम हो तो वो कहलाता है हमारा मैक्रो मॉलिक्यूल। या आप बोल दो कि था जियांट कार्बन मॉलिक्यूल्स, कार्बन मॉलिक्यूल्स का वो बड़ा सा मॉलिक्यूल, जियांट मतलब क्या, बहुत बड़ा, द जियांट कार्बन मॉलिक्यूल्स विच इज फॉर्म फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एटम्स, है ना, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स का भी इस्तेमाल करते हैं जब किसी चीज को बहुत बड़ी बतानी हो, है ना, यानी कि लाखों करोड़ों की तादाद में एटम्स उसके अंदर हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। देखिए इसका वजन अगर देखा जाए तो वजन तो बहुत कम होता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स ऐसे वो मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों कुछ, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी, है ना, तो छोटे, उनका छोटे हैं वो, ठीक है बेटा। उसका वजन भी देखा जाए तो बहुत कम है, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में, मॉलिक्यूल्स से कंपेयर करें तो वो बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स, मतलब उसका
जो मॉलिकुलर मास है उस मॉलिकुल का मास मैक्स टू मैक्स 10^12 डाल्टन तक हो सकता है, 12 डाल्टन तक। देखो ना, यही वजह है कि कार्बन इतना सारा अलग अलग कंपाउंड बना लेता है, इतना अलग अलग कंपाउंड। और यही वजह है कि हमने पढ़ा है कि कार्बन टोटल 1 करोड़ यानी कि 10 मिलियन कंपाउंड अभी तक डिस्कवरी हो चुकी है कार्बन की, क्योंकि कार्बन की ही खास बात है कि ये इतने सारे कंपाउंड बना रहे हैं। अभी देखिए ना, ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल है वो भी किससे बना है भाई, वो भी कार्बन से ही बना है, क्योंकि इतना बड़ा चेन कार्बन ही बना सकता है। ठीक है, डाल्टन बेटा आप जानते हैं डाल्टन, डाल्टन को हम लोग यू भी बोलते हैं, और हमने पढ़ रखा है भाई लोअर स्टैंडर्ड में कि यू मतलब यूनिफाइड मास, इसको एएमयू भी बोल सकते हैं, 1U या AMU क्या होता है, 1.6607 × 10^-27 kg होता है। हाँ, kg में अगर इसकी वैल्यू निकालो तो इतना, तो उसके मॉलिक्यूल का वजन मैक्सिमम इतना होता है। ठीक है, खैर फिलहाल मैं समझो कि मैक्रो मॉलिक्यूल का मतलब एक बड़ा मॉलिक्यूल। ठीक है, यस सर। अभी ये मैक्रो मॉलिक्यूल का काम क्या है, फायदा क्या है? देखो, मैक्रो मॉलिक्यूल को मैं पहले दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला हमारा है नेचुरल मैक्रो मॉलिक्यूल, और दूसरा मैं बात कर रहा हूँ मैनमेड, यानी कि जिसको इंसानों ने बनाया, मैनमेड। ठीक है, नेचुरल मतलब कुदरती है ना, गॉड गिफ्टेड, इसको गॉड ने बनाया। तो नेचुरल की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो नेचुरल पॉलीमर अगर नहीं रहता, नेचुरल मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं रहता, मैक्रो मॉलिक्यूल को हम लोग पॉलीमर भी बोलते हैं, क्योंकि पॉलीमर एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। खैर पॉलीमर के बारे में थोड़ी देर के बाद बात करेंगे हम। तो नेचुरल मैक्रो मॉलिक्यूल की वजह से, सही बात है, मैं और आप हम लोग जिंदा हैं, यानी कि लाइफ है इस मैक्रो मॉलिक्यूल की वजह से। हमारे बॉडी के अंदर है ना, मैं कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, कुछ क्या, मैक्सिमम मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिसकी वजह से हमको लाइफ मिला है। जैसे मैं बोलूं 4 मैक्रो मॉलिक्यूल्स विच इज द पिलर ऑफ लाइफ, सपोर्टिंग पिलर ऑफ लाइफ, उसके बिना लाइफ को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, मतलब वो हमारे पिलर हैं। एग्जाम्पल देखिए, कार्बोहाइड्रेट, पहला मैंने ले रहा हूं कार्बोहाइड्रेट। क्या भाई? तो सर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं एक्चुअली वो पॉलीसैक्राइड मैक्रो मॉलिक्यूल, हम उसको बोलते हैं पॉलीसैक्राइड। ठीक है, पॉलीसैक्राइड आपको समझता नहीं, इसलिए मैंने कार्बोहाइड्रेट लिखा है। ठीक है, पॉली मतलब होता है मैनी, सैक्राइड मतलब सुगर, सुगर के मॉलिक्यूल्स बहुत सारा होते हैं, बहुत सारा, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसैक्राइड। और ये कहाँ से मिलता है भाई? जो भी हम खाना खाते हैं, राइस खाते हैं, वीट खाते हैं, कोई मीठी चीज़ खाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो पॉलीसैक्राइड इन द फॉर्म ऑफ सुगर, सुगर बोला इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, सुक्रोज, सेलुलोज, सेलुलोज, स्टार्च, ये सब। अब अपन जो भी बच्चों खाना खाते हैं ना, वो खाना हमारी बॉडी उसको डिकम्पोज करती है, तोड़ती है, तोड़ने के बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करती है, क्योंकि हमारा सेल, हमारा बॉडी जो है वो इस तरह डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, बल्कि उसके सिंपल फॉर्म को, है ना, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ग्लूकोज। तो जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो टूट के बाद में ग्लूकोज बनता है, फिर उस ग्लूकोज को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसका काम करता है? इट इज फ्यूल। जिस तरह किसी व्हीकल को, किसी गाड़ी को पेट्रोल चाहिए चलने के लिए, है ना, फ्यूल क्या चाहिए? पेट्रोल या डीजल। उसी तरह हमको, हमको अगर वर्क करना है, हमको काम करना है, तो हमारे लिए फ्यूल कौन है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक्ट एज अ फ्यूल फॉर ह्यूमन बॉडी, फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, जिसको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खाता है उसको किसकी जरूरत होती है? कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट क्या देता है बेटा? एनर्जी देता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारा एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है, इससे एनर्जी मिलता है, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, या बोलो हमारे बॉडी के लिए फ्यूल। ठीक, तो बताओ इसके बिना जिंदा रह सकते हैं? लेकिन ये पॉलीसैकेराइड क्या है? नेचुरल मैक्रो मॉलिक्यूल है, ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, मतलब वो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है। उसके बाद दूसरी अगर मैं बात करूँ ना बच्चों, प्रोटीन, प्रोटीन इसके बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रोटीन, प्रोटीन से ना बॉडी का मूवमेंट, बॉडी का फिजियोलॉजिकल प्रोसेस सारा कंट्रोल प्रोटीन करता है। यानी कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हो ना, इसके लिए भी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है। प्रोटीन नहीं रहेगा ना तो यार एक्सक्रीशन, जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है, लाइक रेस्पिरेशन, सांस लेना, एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ें, डाइजेशन, जो भी हमारे बॉडी में प्रोसेस हो रहा है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो भी हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, उस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन है। इवन रेस्पिरेशन, दैट इज इवन वन ब्रीद, एक बार आप सांस ले रहे हो ना,
ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो और एक्सहेल कर रहे हो, सी ओ टू गैस निकाल रहे हो और ओ टू गैस ले रहे हो। एक बार जो इनहेल कर रहे हो, एक बार जो ब्रीथ कर रहे हो ना, वो उसके लिए भी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो प्रोटीन काम करना बंद कर दे तो आप सांस नहीं ले पाओगे, ये पे मरमरा जाओगे। सोचो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। तो प्रोटीन भी क्या, एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। और ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए भाई, हमारे बॉडी मूवमेंट के लिए, हमारे सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए, है ना, जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है उस सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो सर वो रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमारा प्रोटीन। ठीक है, तीसरा जो है बच्चों वो है न्यूक्लिक एसिड। जो होता है वो किसी भी सेल के न्यूक्लियस में होता है। हमारे बॉडी के अंदर ट्रिलियन सेल्स हैं, इतने सारे सेल्स, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है जिसको बोलते हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, है ना, आरएनए भी होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब भाई जानते हैं हम न्यूक्लिक एसिड जो होता है हमारा डीएनए, डीएनए क्या होता है, क्या होता है भाई, वो सारे डेटा को स्टोर करके रखता है, है ना, सारे डेटा को स्टोर करके रखता है। तो हमारे माँ बाप से हम में आता है, है ना, और उसमें पूरा डेटा रहता है, इस बच्चे का नाक कैसा होगा, इसका फेस कैसा होगा, इसके बालों का कलर कैसा होगा, सारी चीज उसमें इंफॉर्मेशन उसमें रहती है। यानी कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग डीएनए को हम लोग बोलते हैं कि हेरिडिटरी मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। मतलब क्या करता है वो, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है और उसका पूरा डेटा रखता है। यानी कि आप अगर न्यूक्लिक एसिड की बात बोले तो न्यूक्लिक एसिड क्या करता है भाई, डेटा ट्रांसफर करता है ना, कैरेक्टर हो गया, डेटा हो गया, ठीक है, या इन्फॉर्मेशन हो गया, सारे कैरेक्टर सारे इन्फॉर्मेशन को सारे डेटा को वो क्या करता है, ट्रांसफर करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, डीएनए। और डीएनए ही प्रोटीन को कमांड देता है या सारा काम करता है। यानी कि डीएनए सिर्फ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि जो प्रोटीन जिससे हम सांस ले पा रहे थे वो प्रोटीन की कोडिंग, यानी उस प्रोटीन को कौन बनाता है, डीएनए ही बनाता है। तो डीएनए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए, वो भी क्या है भाई, वो भी हमारा मैक्रो मॉलिक्यूल, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है। इसके अलावा और मैं बात करूँ लिपिड, तो भाई ये लिपिड जो होता है ना, एक तरह का आप समझो कि फैट ही है, ऐसा समझो आप। लिपिड एक लेयर होता है बच्चों, ठीक है, जो हमारे बॉडी में फैट को और एनर्जी को स्टोर करके रखता है। जो भी हम एक्सेस अमाउंट में अगर खाना, एक्सेस अमाउंट में हमारे बॉडी में अमाइनो एसिड आ गया, या एक्सेस अमाउंट ज़्यादा अमाउंट में अगर हमने खाना खाया, तो वो फैट और एनर्जी क्या होता है, स्टोर करके रखता है। कौन? लिपिड। ठीक, और स्टोर करके रखता है। और जब हमको भूख लगती है ना, देखो जब हम फास्टिंग वगैरह करते हैं ना, रोज़ा वगैरह रखते हैं, या कभी हम भूखे रहते हैं, तो उस सिचुएशन में भी हम काम कर लेते हैं और हमको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो क्यों? क्योंकि जो एक्सेस अमाउंट में जो फूड था उसको लिपिड ने जमा करके रखा था फैट और एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, फिर ये जो है ना, जो जमा करके रखता है फूड, वो एनर्जी, वो कार्बोहाइड्रेट जो एक्स्ट्रा वो जमा करके रखता है, जो कार्बोहाइड्रेट लिख दो, एनर्जी की जगह बेटा कार्बोहाइड्रेट लिख दो। ठीक है, तो फैट हो गया कार्बोहाइड्रेट, इसको जमा करके रखता है, उसका इस्तेमाल करती है बॉडी और फिर वहाँ से उसको एनर्जी मिलता है ना। तो मतलब फास्टिंग के टाइम भी और हंगर भी, जब आप भूखे हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है इस लिपिड की वजह से। ये तो छोड़ दो, इसके अलावा ये हमको, ये एक इंसुलेटर का काम करता है, अब इंसुलेटर मतलब हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों अभी बाहर कितनी भी ठंडी हो जाए, कितनी भी गर्मी हो जाए, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है 37। तो हमारा जो भी बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन के ऊपर, बॉडी के अंदर ऊपर से लिपिड का लेयर, वो लिपिड लेयर क्या करता है, थर्मोस्टेट का काम करता है, मतलब इंसुलेटर का काम करता है। यानी कि बाहर कुछ भी रहने दो, वो अंदर गर्म करके रखेगा, मेंटेन करके रखता है। जैसे देखो ना, थर्मस जो होता है, चाय रखते हैं, बाहर कुछ भी मौसम रहने दो, चाय अंदर गर्म ही रहने वाला है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी करती है। थर्मस की अगर मैं बात करूँ तो भाई 4-5-6 दिन के बाद वो देखना धीरे 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 ठंडा हो ही जाएगा आने वाले वक्त में, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मशीन है और कोई भी मशीन 100% एफिशिएंसी नहीं देता। लेकिन गॉड ने हमको इस तरह बनाया है कि भाई हमेशा पूरी उम्र, मारकर नीचे, पूरी उम्र गॉड ने जो हमको बनाया है, इस तरह बनाया कि हम पूरी उम्र हमारी बॉडी के टेम्परेचर को लिपिड मेंटेन करके रखेगा। तो देखो ये चारों जो है ना बच्चों, इसलिए मैंने बोला कि दे आर सपोर्टिंग पिलर फॉर आवर बॉडी और फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, एक सपोर्टिंग पिलर है, इसके बिना भाई काम नहीं होगा। हर एक का एक इंपॉर्टेंट रोल है। और ये सब क्या है भाई, मैक्रो मॉलिक्यूल है, नेचुरल, क्योंकि गॉड ने बनाया। ठीक,
इसके अलावा मैनमेड, अब मैनमेड मैक्रोमोलिक्यूल लोगों ने क्यों बनाया, जो रबर, रबर ट्री से मिलता है। हाँ, इसके अलावा आप पांचवी चीजें रबर भी ले सकते हो, ठीक है, रबर हो गया जो कि प्लांट से मिलता है, आप इसको प्लांट मैक्रोमोलिक्यूल बोल सकते हो। इसके अलावा सिक्स में आप ये ले सकते हो सिल्क, भाई सिल्क एनिमल से मिलता है, सिल्क जानते हो ना, सिल्क हो गया, वूल, वूल तो जानते होगे ना, ऊन जो सिप से मिलता है भेड़ से, ठीक है। तो रबर प्लांट से मिलता है, रबर प्लांट, रबर ट्री, और सिल्क, वूल, ये एनिमल से मिलता है। तो ये प्लांट मैक्रोमोलिक्यूल है, ये एनिमल मैक्रोमोलिक्यूल है। तो कहने का मतलब ये सारे नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल हैं, कुछ प्लांट से मिल रहे हैं, कुछ एनिमल से मिल रहे हैं, और ये जो चार हैं ये हमारे बॉडी के अंदर होता है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर का मेन कंस्टिट्यूएंट है, खासकर इंसानों का। तो जो रबर और सिल्क वूल जो है ना, ये उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, और इसके एवज में, इसके अल्टरनेटिव को ढूंढने के लिए कि भाई रबर और सिल्क इतना ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा नहीं लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो इसके अल्टरनेटिव को बनाने के लिए लैब में उन्होंने क्या किया भाई, ढूंढना चालू किया, एक्सपेरिमेंट करने लगे, फिर बाद में सिंथेसिस प्रोसेस मिल गया, मतलब सिंथेटिकली यानी कि लैब में उन्होंने क्या कर लिया, बना लिया। किसको बना लिया भाई, मैक्रोमोलिक्यूल्स को। तो बहुत सारे ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो लैब में बने हैं, है ना, जैसे आप जानते हैं सबसे बेहतर एग्जांपल भाई पॉलीथीन, सब लोग जानते हैं पॉलीथीन, है ना, कैरी बैग जिसका बनता है, कैरी बैग किसका बनता है, पॉलीथीन का बनता है, सब लोग जानते हैं। इसके अलावा पॉलीस्टायरीन, आप लोग सब लोग जानते होंगे पॉलीस्टायरीन, पॉलीस्टायरीन, पॉलीस्टर जानते हो, पॉलीस्टर, पॉलीस्टर भी होता है, ठीक है, पॉलीस्टायरीन जानते हो, चलो पॉलीस्टर तो जानते हो, जिसका कपड़ा बनता है बेटा पॉलीस्टर। तो ये सब क्या है, सिंथेटिक है, बनाया गया है। इसके अलावा बहुत सारा नायलॉन सिक्स, नायलॉन सिक्स सिक्स, तो ये सारे मैक्रोमोलिक्यूल जो है ये मैनमेड है, मतलब इंसानों ने बनाया, ठीक है। तो कहने का मतलब मैक्रोमोलिक्यूल समझ में आया, एक बड़े मॉलिक्यूल है ना, जो नेचुरल भी अवेलेबल है और मैनमेड भी, और इसका कितना ज़्यादा फायदा है आप देख रहे हो, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। अभी इस मैक्रोमोलिक्यूल का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारा पॉलीमर। पॉलीमर एक ऐसा मैक्रोमोलिक्यूल है जो छोटे छोटे यूनिट को रिपीट करके बनाया गया, यानी कि मैं बोल दूं कि भाई पॉलीमर क्या है तो आप बोलोगे और मैक्रोमोलिक्यूल, और मैक्रोमोलिक्यूल विच इज फॉर्म्ड बाय रिपीटेशन ऑफ स्मॉल यूनिट, मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल है पॉलीमर जो छोटे छोटे यूनिट को बार बार रिपीट करके बना है। पॉली का मतलब ही होता है मैनी, और मर का मतलब होता है पार्ट, तो मैनी पार्ट, बहुत सारे पार्ट हो गए। तो जो छोटे छोटे यूनिट होते हैं वो बहुत सारे पार्ट बना देते हैं। अब इसको और अच्छे से एलिबरेट करता हूँ, और ये जो स्मॉल यूनिट होता है ना, अ स्मॉल यूनिट which repeats many times and form polymer is called monomer, ठीक। यानी कि वो छोटा यूनिट जिसको रिपीट कर करके पॉलीमर बनाया जाता है उसको मोनोमर बोलते हैं। सर ये पल्ले नहीं पड़ रहा है, क्या है? अच्छा ठीक है, समझाता हूँ। अभी देखो, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप जानते हैं बच्चों हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, कार्बन कंपाउंड पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर भी सीख लिया है। जिनको नहीं आता आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर प्लीज देखना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लगने वाला है। जब भी कंपाउंड लिखेंगे तो हम उसका नाम लिखेंगे, और नाम लिखेंगे तो आपको दिक्कत होगी, इसलिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अच्छे से कर लीजिए। अभी देखिए, ये कार्बन है, ठीक है, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को हम लोग पढ़ते हैं अल्कीन, ईन, और ये दो कार्बन है, दो कार्बन को पढ़ते हैं हम लोग इथ, तो ये CH2, कार्बन की वैलेंसी चार होती है बेटा, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, फोर वैलेंसी पूरी हो गई, ठीक है। सर दो कार्बन रहते तो उसको पढ़ते हैं इथ, और ये डबल बॉन्ड है तो इथीन, ये हो गया इथीन। इसका कॉमन नेम होता है इथाइलीन, है ना, कॉमन नेम इथाइलीन। वैसे ये नॉर्मल जो आईयूपीएसी नेम, ये आपको याद है, दैट इज एनफ, इथीन, इथीन। अभी क्या कहता है बेटा, बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल को जोड़ा जाता है, सी डबल बॉन्ड, सी यहाँ पे एच, फिर एच, फिर एच, ठीक है, इस तरह बहुत सारे, फिर प्लस, फिर इथीन के मॉलिक्यूल, ऐसे बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल को ऐड किया जाता है। तो मैं डायरेक्टली
बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल नहीं लिख रहा हूं डायरेक्टली, आप लिख रहा हूं n टाइम्स, मतलब इस इथीन में n टाइम्स इथीन जोड़ देगा, n मतलब नंबर, n नंबर ऑफ टाइम्स, बहुत सारा इथीन 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 एंड सो ऑन। तो n टाइम्स, n मतलब क्या, बहुत सारे इथीन में इतने सारे मैंने जोड़ दिया, फिर ये आपस में जाके फिर क्या बन जाएगा, बहुत सारे इथीन होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये बॉन्ड बेटा फिर टूट जाएगा, कार्बन की वैलेंसी चार पूरी करनी है, 1 2 3 4, ये एच है, ये एच है, ये एच को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये काम करो इस एच को यहीं पे रखो, ठीक है, ये लो इसको यहाँ बनाए, कहीं भी बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, ठीक है, कोई मसला मसाइल नहीं है, ये लीजिए, ठीक है, ऐसे समझाने आपको समझने में आसानी होगा इसलिए मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सी एच और ये एच, ठीक है, अभी मैं ऐसा बना रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे बना दिया और यहाँ पे लिख दिया N, मतलब क्या यहाँ से भी बहुत सारे इथीन जुड़े होंगे, क्योंकि देखो इथीन में इथीन इथीन में इथीन जुड़ रहा है, और यहाँ से भी बहुत सारे इथीन जुड़े होंगे, तो मैंने ऐसे ब्रैकेट में कर दिया और लिख दिया N, मतलब N टाइम्स। अब यहाँ पे बॉन्ड क्यों मैंने तोड़ा, देखो कार्बन की वैलेंसी चार पूरी करनी बेटा, ये 1 ये 2 ये 3, और यहाँ किसी ना किसी से जुड़ा रहेगा, कौन से मॉलिक्यूल होंगे, इथीन के ही मॉलिक्यूल होंगे, अरे यहाँ पे इथीन 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 इतना सारा ना लिख कर डायरेक्टली क्या कर दिया, N लिख दिया ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट में डाल के, मतलब ये पूरा N टाइम्स, मतलब बहुत बार कई बार नाम, ये पॉलीमर, तो ये हमारा क्या है, पॉली मतलब कई पार्ट है, मर मतलब पार्ट, कई पार्ट, और इसको हम लोग बोलते हैं मोनोमर, क्या बोलते हैं इसको, मोनोमर, मोनो मतलब वन, मोनो मतलब वन, और मर मतलब पार्ट, वन पार्ट यानी कि एक पार्ट, और इसी मोनोमर को बार बार रिपीट करते हैं, देखो ना ये मोनोमर इथीन है, इथीन 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 बहुत सारा रिपीट किया, रिपीट करने के बाद क्या बन गया, लार्ज मॉलिक्यूल है ना, जिसको बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, और वो हमारा क्या बना, पॉलीमर, तो इसको बोल देंगे हम लोग, ये था इथीन तो ये जाएगा पॉली इथीन, पॉली मतलब कई, इथीन मतलब कई इथीन बन गए, पहले सिर्फ इथीन था अब कई इथीन बन गया, समझ में आया, तो इथीन से पॉलीइथीन बन गया, तो वही मैंने बोला मैक्रो मॉलिक्यूल विच इज फॉर्म्ड बाय रिपीटेशन ऑफ स्मॉल यूनिट, ऐसा मॉलिक्यूल मैक्रो मॉलिक्यूल बड़ा मॉलिक्यूल जो रिपीटेशन स्मॉल छोटे छोटे यूनिट को रिपीट करके बना हो, और वो छोटे छोटे यूनिट जो रिपीट करके पॉलीमर बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मोनोमर, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम मोनोमर, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर का बनने का प्रोसेस फ्रॉम इट्स मोनोमर, उसके मोनोमर से इज नोन एज पॉलीमराइजेशन, क्या है पॉलीमराइजेशन, जल्दी बोलो मेरे साथ, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम मोनोमर इज नोन एज पॉलीमराइजेशन, क्लियर हुआ बच्चों, यस सर, ठीक है। तो अभी हम कुछ पॉलीमराइजेशन देख लेते हैं, कुछ पॉलीमर के नाम देखते हैं कि भाई उसके मोनोमर्स क्या हैं और उसका पॉलीमर क्या है ना, कौन कौन से मोनोमर हैं, कौन कौन से पॉलीमर हैं, तो फटाक से क्या करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक मिनट में, तो देखते हैं कौन कौन से भाई पॉलीमर हैं और मोनोमर हैं, कुछ पॉलीमर्स आपको जानने हैं, जैसे मैं यहाँ पे पॉलीमर की कुछ लिस्ट लिखूंगा, ठीक है, फिर उसके बाजू में उसका मोनोमर लिखूंगा, उसका स्ट्रक्चर लिखूंगा और उसका यूजेस भी लिख दूंगा, यानी कि पॉलीमर देखेंगे, उसका मोनोमर क्या है, फिर उसका स्ट्रक्चर क्या है भाई, है कि नहीं, और फिर उसका यूज क्या है, ठीक। तो देखिए पॉलीमर की अगर मैं बात करूँ तो पहले मैं ले लेता हूँ भाई यही हमारा इथीन, ठीक है, पॉलीइथीन, तो पहला मैंने ले लिया पॉलीइथीन बोलो या पॉलीइथाइलीन भी बोलो दोनों चलेगा, पॉलीइथीन दोनों नाम लिख देता हूँ या पॉलीइथाइलीन, ठीक। चलिए अब भाई इसके लिए क्या मोनोमर इस्तेमाल हुआ, सर इसके लिए हमने इथीन लिया, इथीन लिया है ना, इथीन, क्या नाम है इसका, इथीन या इथाइलीन, ठीक। अब इसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे किसका भाई, पॉलीमर का डायरेक्ट बना रहा हूं मैं स्ट्रक्चर है ना, तो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, यहां पे पॉलीमर का स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इथीन से पॉलीथीन कैसे बनेगा, तो सर CH2 इसको सर ओपन कर दो, CH फिर CH और H, ठीक है, कार्बन की चार होती है, 1 2 3 1 4 1 2 3 1 4 है ना, क्योंकि इस इथीन मॉलिक्यूल को हमको n टाइम ऐड करना है, n टाइम्स, तो ये हमारा हो गया पॉलीइथीन, देखा ना यहाँ पे जैसा किया हमने, यस सर। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं जल्दी बताओ, सर इतना आसान, कैरी बैग में इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा इसका इस्तेमाल स्पोर्ट्स वेयर में करते हैं, जो सूज वगैरह पहनते हैं ना, सूज वो भी पॉलीथीन का भी बनता है भाई, तो स्पोर्ट्स वेयर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए दूसरा मैं बात कर रहा हूँ पॉलीथीन के बाद,
पॉलीस्टाइरिन, किसकी? पॉलीस्टाइरिन, पॉलीस्टाइरिन, ठीक है, पॉली मतलब कई, कई स्टाइरिन, तो इसका मोनोमर का नाम ही है स्टाइरिन, स्टाइरिन। देखो फॉर्मूला इसका होगा CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5, CH2CH, बस क्या किया बेटा, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड था CH, उसके बाद एक C6H5 आ गया, ऐसे याद रखो CH2CH था एक, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हट गया, वहां पे आ गया C6H5। अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो देखो ऐसा भी होता है, इसको ऐसा भी दिखाते हैं, देख के डरना मत, यहाँ पे ऐसा बनाते हैं, ठीक है, देख के डरना मत भाई, ये बेंजीन है, डरना क्या है सर, आपने बताया, आपने पढ़ाया है बेंजीन, है ना, ऐसे यहाँ अल्टरनेट बॉन्ड देने का, यहाँ छोड़ के फिर यहाँ, यहाँ छोड़ के यहाँ, अल्टरनेट बॉन्ड, इसको बेंजीन बोलते हैं, या आप चुपचाप क्या कर सकते हो, एक सर्कल भी बना सकते हो, ठीक है। तो इसका नाम है बच्चों स्टाइरीन, क्या नाम है? स्टाइरीन, स्टाइरीन, ठीक है, स्टाइरीन, इसको ऐसा भी दिखा सकते हो। अब इसका हम पॉली पॉलीमर बनाने वाले हैं ना, कई पार्ट बनाने वाले हैं, तो चलो ट्राई करते हैं, जोड़ दें बच्चों, देखो CH2 इसको खोल दो, CH2, ठीक है, फिर क्या है CH, ये क्या है बच्चों C6H5। अब देखो क्या करना है, इधर और इधर बॉन्ड बना के छोड़ देना, मतलब वो एन टाइम्स जोड़ेंगे, है ना, जैसे CH2 का यहाँ पे देखो ना, एकदम बिल्कुल सिंपल एग्जांपल, CH2, चलो मैं जोड़ के दिखा रहा हूँ, मान लो ये CH2 यानी कि इथीन के मॉलिक्यूल है बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, सिंगल करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से जुड़ेंगे, तो यहाँ से क्या जुड़ेंगे, CH2, फिर CH2, ऐसे जुड़ेंगे। तो हमने इतना मगजमारी नहीं किया, इतना ये इसको बार बार कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया, इसको लेंदी नहीं बनाया, चुपचाप ऐसे लिखा और यहाँ पे एन लिख दिया भाई, यहाँ से भी जुड़ा रहेगा और यहाँ से भी जुड़ा रहेगा, एन टाइम्स वही करने वाले हैं। तो क्या करना, हमेशा ये दो बॉन्ड खोल देना, दो बॉन्ड आपने खोल दिया, चलो इसको पैक कर दो ऐसा खोल के, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो एन टाइम्स। अब जो बचा उसको देखो, CH2 को मैंने खोल दिया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर बना दो, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे ये था बेंजीन हमारा, ठीक है। तो आपने क्या किया, देखो CH2, फिर ये सिंगल बॉन्ड हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड हट के यहाँ पे आ गया, देखो ना यहाँ पे 1, 2, 3, 4 कार्बन चार ही वैलेंसी पूरी करता है, पांच नहीं, इसलिए बॉन्ड टूट गया, 1, 2, 3, 4, अच्छा ठीक है सर समझा। अब CH, अब जो बेटा ये वाला बॉन्ड है ये खाली है, तो ये जो है ना ये वाला, इसको यहाँ पे रख दो, इस पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी रख दो आप, H को यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको नीचे से डाल दे रहे हैं, क्योंकि ये वाला क्या कर रहे हैं, यहाँ पे किसी को जोड़ रहे हैं, यहाँ पे भी किसी को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये लो, ये हमारा हो गया क्या, पॉलीस्टाइरीन, आया समझ में बच्चों, क्या नाम होगा इसका? सर इसका नाम होगा पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन का स्ट्रक्चर बोला ही हमने, पॉलीस्टाइरीन। अब इसका इस्तेमाल कहाँ है, तो भाई इसका इस्तेमाल है थर्मोकोल आर्टिकल में, थर्मोकोल मालूम है ना कहाँ इस्तेमाल होता है, कोई भी चीज़ जब आप खरीदे जाते हो, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स या सामान लाइक टेलीविजन, लाइक रेफ्रिजरेटर, तो देखते हो थर्मोकोल में आता है वो, थर्मोकोल में क्यों आता है, ताकि शॉक वगैरह ना लगे, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। थर्मोकोल के बारे में बहुत अच्छे से जानते होगे, देखो भी होगे, ठीक है, आई डोंट थिंक कि ज़्यादा उसके बारे में उसको एक्सप्लेन करने की अपने को ज़रूरत है। तीसरी अगर मैं बात करूँ, तीसरी PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्या PVC, सर ये PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, देखो एकदम सेम CH2 डबल बॉन्ड CH, देखो अगर मैं बात करूँ इसको CH2CH और ये H, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, तो CH2CH, यहाँ पे H लगा, यहाँ पे C6H5 लगा, बस ये याद रखो H, यहाँ पे C6H5, है ना, CH2CH, यहाँ पे CL लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, CL लगेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग, इसका नाम होता है बच्चों विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, क्या करना है, ऐड करना है, फटाक से ओपन कर दूं, यस सर, CH2, है ना, फिर डबल बॉन्ड होगा नहीं, सिंगल हो जाएगा क्योंकि यहाँ से जुड़ा रहेगा, क्या बोला मैंने, यहाँ से खोल दो, यहाँ से कुछ ना कुछ जुड़ेगा। अब CH2 खुल गया भाई, अब क्या बचा, CH, ठीक है, अब यहाँ से खोल दो, यहाँ से कुछ ना कुछ जुड़ेगा, तो CL को कहाँ लगा दूँ, फिर से नीचे लगा दूँ, लो नीचे लगा दिया, कितना सिंपल है करना, है ना, एन टाइम्स, मतलब ये बार 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 जुड़ेंगे और फिर क्या बना देंगे, पॉलीमर बना देंगे, क्या नाम होगा इसका, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। चलो नेक्स्ट देखते हैं फटाक से, फोर्थ हमारा पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, क्या बच्चों, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, सर इसका इस्तेमाल आपने बताया, इसका यूज नहीं बताया,
तो इसका यूज क्या होगा, देखो इसका यूज होता है बेटा पाइप में, पीवीसी पाइप, सुना रहेगा आपने यार, ये पीवीसी का पाइप है, पॉलीमर कोट पीवीसी की बाल्टी है, बाल्टी वगैरह भी उसका बनता है पीवीसी का, तो पीवीसी का पाइप। इसके अलावा डोर मैट है ना, हमारा जो डोर का जो मैट होता है ना बेटा, वो भी पीवीसी का बना होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। जो वायर होता है ना, वायर जिससे करंट बहता है, उसके ऊपर जो कोटिंग होती है ना, कोटिंग वायर की, वो भी पीवीसी से ही होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है ना। तो इसका इतना सारा इस्तेमाल है। खैर, चौथी बात कर रहे हैं हम लोग, पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल, PAN, क्या नाम है बच्चों? सर पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल। अच्छा ठीक है, तो इसका क्या होगा फॉर्मूला? एकदम सिंपल, देखो फिर से CH2 डबल बॉन्ड CH, बस डाल देना है आप एक CN, इसको बोलते हैं सैनाइड, CN है ना, CN सैनाइड। आप चाहो तो इसको भी खोल सकते हो, मतलब ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम CH2, थोड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख दूं CH2, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन की वैलेंसी तीन होती है, 1, 2, 3, इसलिए तीन बॉन्ड बनाया। कार्बन के 4, 1, 2, 3 और 1, 4, इस कार्बन के 4, 1, 2, 3 और 1, 4, इस कार्बन की 1, 2, 3, 4, देखो वैलेंसी पूरी है ना, जैसा आपको इजी लगे वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो मैंने एक तरीका बताया ना CH2CH सब में लिखने का, पहले में H डालो, दूसरे में C6H5 पॉलीस्टाइरीन C6H5 भाई, पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लोराइड तो CL लगा देना, अक्राइलो नाइट्राइल, नाइट्राइल CN को नाइट्राइल भी बोलते हैं हम लोग, सेनाइड या नाइट्राइल आगे पढ़ना है 11th 12th में, तो ये नाइट्राइल तो CN आ गया, कितना आसान है। अच्छा चलो खोलो CHH, फिर यहाँ पे C बेटा, फिर ये H, और यहाँ पे ये खुला रहेगा, ये भी खुला रहेगा, यहाँ से N, तो क्या बच गया CN, CN को कहाँ यहाँ लटका दो, सी ट्रिपल बॉन्ड N या CN, चुपचाप CN में लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा हो गया पॉली अक्राइलो नाइट्राइल। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? विंटर क्लोथिंग में, जो भी ठंडी मौसम के जो कपड़े का इस्तेमाल करते हैं है ना, विंटर में उसका इस्तेमाल होता है, विंटर क्लोथिंग है ना, अभी सर्दी का मौसम भी चल रहा है, सर आप तो टी शर्ट में हो है ना, मेरा रूम भाई गर्म है, विंटर क्लोथिंग ठीक है, या ब्लैंकेट वगैरह जो बनता है ना, ब्लैंकेट वो किससे बनता है? इसी से बनता है, पॉली अक्राइलो नाइट्राइल से बनता है, क्लियर है? ठीक है, तो चलो अब वहाँ पे लिखना पड़ेगा, मिटा के वहाँ लिख दूँ, ठीक है, उसको इरेज करके फिर हम वहाँ पे बात करते हैं। उसके बाद बेटा फिफ्थ है हमारा पॉलीप्रोपाइलीन, ठीक है, फिर से क्या करेंगे भाई, CH2 इसका मोनोमर बना रहा हूँ मैं, मोनोमर CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3, इस बार क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH3 है ना, नाम ये प्रोपाइलीन, ठीक है, तो ये हमारा प्रोपाइलीन, मोनोमर कौन सा है, प्रोपाइलीन, ठीक है। चलो कैसे बनाओगे फटाक से बताओ, सर बता रहे हैं, इसको ओपन कर दो CHH, यहाँ पे C, फिर ये H, सर यहाँ से कुछ ना कुछ जुड़ेगा, तो यहाँ से क्या लटका दो CH3, ये क्या हो जाएगा N टाइम्स पॉलीप्रोपाइलीन। इसका इस्तेमाल सिरिंज, देखा है सिरिंज इंजेक्शन है ना, जिससे डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं, तो वो सिरिंज जो होता है इंजेक्शन वाला सिरिंज, ठीक है, वो बनता है किससे भाई, पॉलीप्रोपाइलीन है ना, एक टाइप का प्लास्टिक है ये, PVC भी एक टाइप का प्लास्टिक है, ये PAN पॉलीअक्राइलो नाइट्राइल भी समझो एक टाइप का पॉलीमर है ना, ठीक। तो सिरिंज इंजेक्शन में, इसके अलावा जो फर्नीचर होता है ना बेटा, प्लास्टिक का फर्नीचर आपने देखा रहेगा, प्लास्टिक का है ना, तो वो फर्नीचर जो होता है वो इसी से बना होता है, पॉलीप्रोपाइलीन, और इसके लिए मोनोमर क्या है, प्रोपाइलीन। और अगर बात करूं तो एक और देख लो, टेफ्लॉन, ठीक है, टेफ्लॉन की अगर हम बात करें तो ये बनता है भाई CF2 डबल बॉन्ड CF2, यानी कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सर कैसे, CF यहाँ पे F, फिर नीचे लगा दो एक F, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर F और फिर ये F है ना। तो भाई इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा टेट्रा फ्लोरो इथाइलीन है ना, चार बार क्या है, फ्लोरीन है इसलिए टेट्रा फ्लोरो और डबल बॉन्ड तो इथाइलीन, तो क्या उसको बोलते हैं हम लोग, टेट्रा फ्लोरो इथाइलीन, टेट्रा फ्लोरो इथाइलीन, टेट्रा फ्लोरो इथाइलीन। चलो फटाक से बताओ क्या होगा, सर बेटा ये भी जो रिएक्शन हो रहा है क्या बोलते हैं इसको, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन है ना, सी ये एफ, ये एफ, ठीक है,
यहाँ पे सिंगल बॉन्ड क्योंकि यहाँ से जुड़ेगा भाई, फिर यहाँ पे सी एफ और ये एफ, फिर यहाँ पे ये एन टाइम्स, ये हमारा हो गया टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन से बना टेफ्लॉन। क्या नाम होगा इसका? टेफ्लॉन। इसका इस्तेमाल नॉन स्टिक वेयर। देखो ना आजकल जो पैन आता है, कढ़ाई वगैरह घर में जो खाना बनता है, उस सब में नॉन स्टिक वेयर बोलते हैं ना, कोटिंग की जाती है जिससे हमारा खाना नहीं चिपकता है, तो वो टेफ्लॉन का बना होता है। इसके अलावा बहुत सारे गाड़ी के पार्ट्स में टेफ्लॉन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है। तो ये सारे पॉलीमर हैं जो आपको बस इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। पॉलीमर कौन कौन से पॉलीमर है, तो एक काम करो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं इरेज करके बातों को आगे बढ़ाऊँ। तो अभी देखो हम पॉलीमर के टाइप्स भी देख लेते हैं भाई, टाइप्स ऑफ पॉलीमर थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलीमर के बारे में। तो पॉलीमर को बेटा स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बेसिस पे तीन टाइप में बांटा गया है। पहला है हमारा लीनियर। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह कार्बन 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 की बॉन्डिंग है ना, ऐसे लीनियर फॉर्म में रहेगी, ऐसा लीनियर, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स को अगर आप देखोगे जैसे दिखेगा, ये डॉट का मतलब क्या, कार्बन, बहुत सारे लीनियर रहेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, सबसे बेहतरीन एग्जांपल है इसका बच्चों पॉलीथीन। पॉलीथीन बोलो या पॉलीइथाइलीन बोलो, जो बोलना बोलो, पॉलीथीन, ठीक है, जिसका कैरी बैग में इस्तेमाल करते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर है ना। दूसरा होता है बच्चों इसका आप बोल दो ब्रांच स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जो ब्रांच्ड वाले होते हैं वो कैसे होंगे, तो ब्रांचिंग होगा नॉर्मल, ठीक है। मान लो ये कार्बन का चेन है ऐसा, ठीक है, ऐसा कार्बन का चेन है ये, ठीक। तो यहाँ पे इस तरह से ऐसा मान लो ब्रांचिंग है, यहाँ ब्रांचिंग आ गया, यहाँ ब्रांचिंग आ गया, यहाँ ब्रांचिंग आ गया, इस तरह से ब्रांचिंग रहता है। तो इसका एग्जांपल की मैं बात करूँ तो पॉलीप्रोपाइलीन देखिए ना बच्चा, जो पॉलीथीन था क्या था हमारा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे ऐसा N था, है ना, H को ऊपर ले जाओ, मैंने डायरेक्ट खोल के नहीं लिखा, डायरेक्ट कैसे लिखा, यहाँ पे से लिखो H। तो नॉर्मली देखा जाए तो कार्बन का चेन जो है, कार्बन की बात कर रहा हूँ, कार्बन एकदम स्ट्रेट में है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है, हाइड्रोजन था ना, ऐसे लिखो या डायरेक्टली H2 ऐसे लिख दो, जैसे लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या था, स्ट्रेट चेन था, लीनियर चेन था, है ना, लीनियर बोल दो या आप स्ट्रेट भी बोल सकते हो इसको, स्ट्रेट चेन भी बोल सकते हो आप, ठीक है, लीनियर या स्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पे देखिए पॉलीप्रोपाइलीन में क्या देखा था हमने, CH2 डबल बॉन्ड CH3 है ना, कैसा आ गया था बच्चों, यहाँ पे CH3 था, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा बॉन्डिंग था और ये था, यानी कि इस कार्बन को एक ब्रांच लग गया ना, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, पॉलीप्रोपाइलीन। तीसरा है हमारा क्रॉस लिंक्ड है ना, क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर के बेसिस पे। वो क्या होता है भाई, उसका तो एकदम अजीबो गरीब कहानी है। जैसे ही मान लीजिए ये हमारा कार्बन का एक चेन है, ये एक चेन है, ठीक है, ये मान लीजिए एक चेन है, ठीक, तो यहाँ से ऐसे जुड़ जाएगा, कैसे भी जुड़ जाएगा, तो इसको बोलते हैं क्रॉस लिंक, मतलब ब्रांचिंग रहेगा, फिर दूसरे चेन में ब्रांचिंग, तीसरे चेन में ब्रांचिंग, इसका बहुत ही अलग तरह से स्ट्रक्चर होता है ना। इसका एग्जाम्पल बच्चों होता है बैकेलाइट, है ना, बैकेलाइट, इसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये सारी चीज़ों को डिटेल में हमको 12th में डायरेक्ट पढ़ना है, 11th में भी नहीं, डायरेक्ट 12th में। बैकेलाइट देखा रहेगा आपने किसी भी व्हीकल, किसी भी गाड़ी, यहाँ तक कि साइकिल के पीछे भी गोल सा होता है, हाँ गोल भी हो सकता है, कैसा भी, स्फेरिकल भी हो सकता है, स्क्वायर में भी हो सकता है, देखा रहेगा लाल लाल चमकता है बैकेलाइट, है ना, उससे पता चलता है कि भाई पीछे से अगर आप लाइट जलाओगे, कोई गाड़ी लाइट जलती हुई जाएगी तो चमकेगा, वो समझ में आएगा कि वो गाड़ी चल रही है, तो बैकेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, बैकेलाइट। तो वो बैकेलाइट किससे बनता है भाई, वो भी एक पॉलीमर है ना, वो फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। खैर क्या करने का जानते हो, क्रॉस लिंक मतलब क्या होंगे भाई, बहुत सारी ब्रांचिंग होगी, है ना, एक दूसरे से लिंक होंगे, या इसका एक और नाम है नेटवर्क, ये लोग क्या करें, नेटवर्क बना रहे, एकदम जाल बना दे रहे हैं, एग्जाम्पल इसका बैकेलाइट, ठीक है, एग्जाम्पल एक याद रख लो, नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, कि भाई लीनियर ब्रांच क्रॉस लिंक तीन टाइप के होते हैं, तुम्हारे सिलेबस में बस नाम देके छोड़ दिया है, लीनियर ब्रांच क्रॉसलिंक, मैंने तो बता दिया है लीनियर होता है ऐसा, एग्जांपल पॉलीथीन, ब्रांच एग्जांपल पॉलीप्रोपाइलीन, क्रॉसलिंक एग्जांपल बैकेलाइट, ठीक है। इसके अलावा अगर हम पॉलीमर की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, नहीं ऑन द बेसिस ऑफ, आप बोलो कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मोनोमर, ऐसा बोलो, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मोनोमर, ठीक है।
तो मोनोमर के हिसाब से दो टाइप होते हैं, एक होता है होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर, और दूसरा होता है हमारा कोपॉलीमर। क्या? कोपॉलीमर। अब सर ये क्या होता है? देखो बच्चा, होमो मतलब सेम, मतलब ऐसे पॉलीमर जो सेम टाइप के मोनोमर से मिलकर बने हो, सेम टाइप के मोनोमर से। जैसे मैंने क्या बोला, इथीन, जो इथीन का मॉलिक्यूल होता है इसमें बहुत सारे इथीन जुड़ेंगे, बहुत सारे इथीन, यानी कि एन टाइम्स, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, एन टाइम्स इथीन जोड़ोगे, बहुत बार इथीन जोड़ोगे, सिर्फ इथीन। तो मोनोमर इसमें यहाँ भी इथीन है, ये भी इथीन है, ये भी इथीन है, बहुत सारे इथीन जोड़ोगे तो बनेगा क्या हमारा, पॉलीथीन, बनेगा हमारा पॉलीथीन, इथीन 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 इथीन। तो एक ही टाइप का मोनोमर यूज किया गया, होमो मतलब सेम, सेम मोनोमर, है ना। तो ऐसा पॉलीमर जो सेम मोनोमर का इस्तेमाल होके बना हो, सेम मोनोमर से बना हो, एक ही टाइप के मोनोमर से बना हो। लेकिन कभी कभी आपको देखने मिलेगा अलग अलग टाइप के मोनोमर, जैसे हमने जो भी लिस्ट में अभी देखा, पांच छह देखा, वो सब होमोपॉलीमर थे, एक ही टाइप के मोनोमर से मिलकर बन रहे थे, बार बार वही रिपीट हो रहे थे। लेकिन कभी कभी आपको देखेगा कि अलग अलग टाइप से बनता, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्यूना एस रबर, ब्यूना एस रबर, ब्यूना एन रबर, है ना, ये सब रबर है बेटा, रबर की कैटेगरी। जो रबर है वो भी हमारा क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल, और मैक्रो मॉलिक्यूल क्या है, पॉलीमर है, बताया मैंने कि पॉलीमर एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। अच्छा, तो सर ये ब्यूना एस ब्यूना एन क्या है, देखो जानना नहीं है लेकिन बस थोड़ा सा ब्यूना एस बता देता हूँ। ब्यूना एस, ब्यूना जो है ना, ये नाम आया है ब्यूटा 1,3 डाइईन से। देखो CH2, ये CH बनाते थे, CH2CH, फिर बाकी आगे कुछ भी लगाते थे, आगे CL लगता था तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, आगे CH5 लगता था तो स्टाइरीन, है ना, अलग अलग, आगे CN लगता था ना एक्राइलो नाइट्राइल। तो खैर CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे फिर डबल, फिर सिंगल बॉन्ड CH1 2 3, उसके बाद फिर डबल बॉन्ड, फिर CH2, ठीक है, ये CH2CH, फिर CH2CH, उल्टा CH2CH लिख दो, ऐसे याद कर लो, ऐसे याद कर सकते हो, CH2CH फिर उल्टा CH2CH, ठीक है। इसका कैसा बेटा नाम कैसे पढ़ेंगे, 1 2 3 4, है ना, पहले नंबर पे डबल बॉन्ड और तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड, पहला दूसरा तीसरा, इधर से भी करोगे तो पहले पे और तीसरे पे, तो कोई भी आप चेन सेलेक्ट कर लो, कोई भी रास्ता चुन लो, इधर से जाओगे तो भी पहले नंबर और तीसरे नंबर पे इन मिल रहा है, तो पहले और तीसरे पे क्या मिल रहा है, डाई इन, तो इसका नाम हो जाएगा 1,3 ब्यूटा डाई इन, 1,3 ब्यूटा डाई इन, मतलब ब्यूट, चार कार्बन को ब्यूट पढ़ते हैं, इन ब्यूट इन, दो बार इन तो ब्यूटा डाई इन, 1 और 3 पे है तो 1,3 ब्यूटा डाई इन। इसमें हम लोग मिला देते हैं स्टाइरीन, जल्दी बताओ स्टाइरीन, CH2 डबल बॉन्ड CH, सर यहाँ पे लिख दो C6H5, या बेंजीन बना दो, ये हो जाएगा स्टाइरीन, ठीक है। अब इन दोनों को जब जोड़ते हैं ना बच्चों, तब बनता है हमारा क्या, ब्यूना एस। तो ब्यू इसका लिया गया, ब्यूना स्टाइरीन, इसका एस लिया गया, एस फॉर स्टाइरीन, ठीक है, ब्यूना, ब्यूटेन 1,2, ब्यूटेन होता है ना, ब्यूटेन चार कार्बन ना, इसलिए ब्यूना ले लिया गया। खैर नाम बन गया यार, क्या करने का है, काम से मतलब है, CHH फिर CH, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CHH, ठीक है, यहाँ भी डबल बॉन्ड था, ठीक। अब भाई ये जुड़ेगा, अभी जो अभी डबल बॉन्ड ही लिख रहा हूँ मैं, जोड़ दो भाई यहाँ से CHH, फिर क्या होगा भाई, ये हमारा होगा CHC और इधर H और इधर C6H5, ठीक है, एन टाइम्स, तो ये वाला बॉन्ड हट गया यहाँ पे, एक दो तीन चार वैलेंसी पूरी करने के लिए, ठीक है, यहाँ भी हट जाएगा ये बॉन्ड वैलेंसी पूरी करने के लिए, ठीक है। देखो ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, यहाँ पे 3 हुआ बेटा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड देना पड़ेगा, किधर किधर देना पड़ेगा, 1 2 3, ये 4, 1 2 3 4, और यहाँ ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 अपने आप तुमको समझ में जाएगा, वैलेंसी पूरी नहीं होगी, डबल बॉन्ड अपने आप समझ में जाएगा। तो ये हमारा ब्यूना एस रबर, भाई साहब ये सिलेबस में नहीं है, एक्स्ट्रा बता दिया समझने के लिए, बाकी कुछ नहीं है, जानना है तो ठीक है ना, तो कुछ जाने दो। तो ये था टाइप्स ऑफ पॉलीमर, टाइप्स ऑफ मोनोमर नहीं है, ये भी टाइप्स ऑफ पॉलीमर है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमर, मोनोमर के टाइप के या मोनोमर के बेसिस पे, ठीक है। चलो अब कुछ नेचुरल पॉलीमर का, नेचुरल पॉलीमर का कुछ 4-5 लिस्ट लिख देते हैं, और वो मिलता कहाँ है उसके बारे में लिख देते हैं, फिर हमारा लेसन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। फटाक से स्क्रीनशॉट लो, इरेज करके आगे बढ़ दो। तो अभी नेचुरल कुछ पॉलीमर की लिस्ट लिख देते हैं भाई हम, नेचुरल पॉलीमर है ना, उसकी कुछ लिस्ट लिख देते हैं, है ना, कुछ नेचुरल पॉलीमर का नाम लिख देते हैं, ऑलरेडी हमने देखा भी है, नेचुरल
मैक्रोमोलिक्यूल वही नेचुरल पॉलीमर भी है ना, ठीक है। और इसका कहाँ कहाँ मिलता है वो भी लिख देंगे। तो पहला मैं ले रहा हूँ पॉलीसैकेराइड, जल्दी बताओ पॉलीसैकेराइड, देखा था हमने मैक्रोमोलिक्यूल है ना, पॉलीमर क्या है भाई, एक मैक्रोमोलिक्यूल है। तो इसका मोनोमर की अगर मैं बात करूँ कि भाई कौन से मोनोमर से बना है, तो बताओ मुझे, मैंने क्या बोला, जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है वो बॉल्स का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, ग्लूकोज, हमारी बॉडी ग्लूकोज के फॉर्म में लेती है, ठीक है। तो जो हमारा पॉलीसैकेराइड है इसका मोनोमर है ग्लूकोज, और ये मिलेगा कहाँ, किसके फॉर्म में भाई, ये मिलता है स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, पोटैटो है ना, पोटैटो, पोटैटो हो गया, उसमें स्टार्च रहता है, ठीक है। आलू से क्या मिलता है, आलू में रहता है स्टार्च, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट बोले एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, और यानी कि पॉलीसैकेराइड है वो जाके ग्लूकोज बनता है, फिर हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब करती है, यानी कि कहाँ मिलेगा भाई, स्टार्च के रूप में मिलता है, अच्छा स्टार्च के रूप में मिलता है। दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात करूँ तो सेलुलोज, सेलुलोज क्या होगा, ये भी सेम ग्लूकोज, सेलुलोज ले लो, पॉलीसैकेराइड ले लो, कोई भी ले लो, ग्लूकोज है ना, ये भी इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, ग्लूकोज। जो कहाँ से मिलेगा, लकड़ी से, वुड, प्लांट के किसी भी पार्ट से, नॉर्मली लीफ पे भी मिलता है सेलुलोज, और वुडी पार्ट जो है सेलुलोज, तो प्लांट के वुड में मिल जाएगा आपको सेलुलोज, है ना, ठीक है। तो चलो वुड हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जितना वुड लिख लो एनफ है। चलो तीसरी बात हम करते हैं भाई प्रोटीन्स की, किसकी बात करते हैं सर, सर बात कर रहे हैं हम लोग प्रोटीन्स की, ठीक है। प्रोटीन्स, प्रोटीन का जो है ना बेटा मोनोमर को बोलते हैं हम लोग अल्फा अमाइनो एसिड, अल्फा अमाइनो एसिड, अल्फा अमाइनो एसिड, ठीक है। अमाइनो एसिड यानी कि प्रोटीन हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड के फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि मोनोमर, उसी को जोर जोर के क्या बनता है, प्रोटीन। ग्लूकोज जोर जोर के ग्लूकोज को ऐड कर दो, सेलुलोज बन जाता है, सैकेराइड बन जाता है, ठीक है। तो ये सब उसी तरह फैट है ना, फैट तो फैटी एसिड, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, उनका सिंपलेस्ट फॉर्म प्रोटीन का अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज, और इसी को बॉडी हमारी एब्जॉर्ब भी करती है। कहाँ से मिलेगा भाई, हमारे हेयर में भी प्रोटीन है, हमारे मसल्स में भी प्रोटीन है ना, नेल्स में भी प्रोटीन है, अलग अलग प्रोटीन है, बहुत सारा इसका सोर्स है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा फोर्थ, डीएनए क्या होता है, फुल फॉर्म डीएनए का जल्दी बताओ, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इसका होता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। यहाँ पे भाई जो न्यूक्लियोटाइड होता है दो अलग अलग तरीके का होता है, जैसे मैं बात करूँ अगर आरएनए की, देखो आरएनए की भी, तो यहाँ पे भी न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन दोनों में फर्क है। देखो यहाँ पे राइबोज सुगर, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो इसमें बेस लेते हैं हम लोग डीऑक्सीराइबोज, और इसमें बेस लेते हैं हम लोग, बेस बोल रहा हूँ मतलब बेस रहेगा डीऑक्सीराइबोज सुगर रहेगा, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ मैं बताता हूँ। देखो जो हमारा डीएनए होता है उसका मोनोमर होता है न्यूक्लियोटाइड्स। अब डीएनए तीन चीज से मिलकर बना होता है, एक नाइट्रोजन बेसिस है ना, नाइट्रोजन बेसिस बायोलॉजी में पढ़ेंगे हम, जिसमें होता है एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन, ये सब नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस हैं, है ना, जिसको नाइट्रोजन बेसिस बोलते हैं। ये चार होते हैं, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन। और अगर मैं बात करूँ ये डीएनए में होता है, आरएनए की बात करूँ तो एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन की जगह यूरासिल होता है, यूरासिल, ठीक है। जो डीएनए होता है ना हमारा, डीएनए ऐसा स्ट्रक्चर, उसमें ऐसा होता है यहाँ पे ए, यहाँ पे टी, फिर यहाँ पे सी, फिर यहाँ पे जी, ए टी, ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी, टी का सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, ऐसे ए टी सी जी, ए टी सी जी बना होता है। खैर कहाँ जा रहा हूँ मैं बायोलॉजी में, तो न्यूक्लियोटाइड, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड, फर्क क्या रहेगा यहाँ पे डीऑक्सीराइबो, हाँ मैं बोल रहा था कि भाई नाइट्रोजन बेसिस होते हैं डीएनए में, प्लस डीऑक्सीराइबोज सुगर होता है पेंटोज सुगर, और इसमें फॉस्फेट फॉस्फोरिक एसिड होता है, इसको बोलते हैं हम लोग फॉस्फेट मॉलिक्यूल। तो आप बोल दो डीऑक्सीराइबोज बेस, नाइट्रोजन बेसिस और फॉस्फेट, ठीक है। इसमें क्या बोलोगे, इसमें भी न्यूक्लियोटाइड होता है, बस क्या होगा राइबोज सुगर बेस और फॉस्फेट, है ना, यानी कि फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अब ये कहाँ मिलेगा भाई, कहाँ में जल्दी बताओ कहाँ मिलेगा, न्यूक्लियस में मिलेगा, सेल के न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस सेल के न्यूक्लियस में मिलेगा। चलो दोनों भी सेल के न्यूक्लियस में मिलेगा, ठीक है। अब है हमारा छठा, सिक्स्थ है हमारा रबर। अब ये जो रबर होता है हमको मालूम है बेटा, रबर प्लांट से मिलता है, रबर प्लांट, और वो मिलता है हमको आइसोप्रीन से, किससे,
आइसोप्रीन। अगर मैं बात करूँ उसके फॉर्मूले की, उसका फॉर्मूला होता है CH2CCH3C डबल बॉन्ड CH2। दो दो चार, देखो दो दो चार, दो एक तीन, तो यहाँ पे एच हो जाएगा, दो एक तीन एक चार, ठीक है, वैलेंसी पूरी हो गई, CH2 डबल बॉन्ड CCH CH2CH3, ठीक है, ये होता है बेटा आइसोप्रीन। ठीक है, अब ये किससे बनता है, तो लेटेक्स ऑफ, कहाँ मिलेगा ये, लेटेक्स ऑफ रबर ट्री, रबर ट्री का देखो ना लेटेक्स मिलता है गोंद जैसा, ठीक है, तो रबर ट्री से जो लेटेक्स निकलता है उससे क्या बनता है भाई, उसी को मतलब आइसोप्रीन बोलते हैं, आइसोप्रीन, और उस आइसोप्रीन का इस्तेमाल करके क्या बनता है, उस आइसोमिल का इस्तेमाल करके रबर बनता है, जो कि हमारा क्या है, एक नेचुरल पॉलीमर है। तो ये सारे नेचुरल पॉलीमर हैं और ये इन सब उसके मोनोमर्स हैं, और ये किससे किससे मिलता है। यहाँ पे एक चीज़ और, न्यूक्लियस में सेल लिख लेना, यहाँ पे एनिमल सेल लिख लेना चाहिए, तो एनिमल सेल, और यहाँ लिख लेना प्लांट सेल, प्लांट, ठीक है। तो खैर ज़्यादा डिटेल में जानना नहीं, दैट्स एनफ। ये हो गया हमारा मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर खत्म पूरी तरीके से, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा बच्चों, उसमें पूरा पूरा हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, यूज योर ब्रेन पावर के साथ, कैन यू रिकॉल, सारे सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक है। खैर तो इसके बाद बेटा हमारा लेसन खत्म होगा, पूरा पूरा हमने कंप्लीट किया, बहुत ईमानदारी से पूरा एक एक चीज मैंने आपको बताया, और साथ ही मतलब सिर्फ हमारा ये चैप्टर ही नहीं बल्कि हमारा पूरा केमिस्ट्री भी पूरी तरह खत्म हो गया। बस आपको मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा और किताब के अंदर जो क्वेश्चन होंगे उसको भी सॉल्व करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।